हमारी कमला देवी बीआर सेकंड डिवीजन। कुमारी कौशल्या बीएससी ऑनर फर्स्ट डिवीजन। और अब मैं इस कॉलेज की सबसे लायक होशियार और काबिल लड़की कुमारी रमा को पेश करती हूँ, जो कि न सिर्फ सारी यूनिवर्सिटी में वकालत के इम्तिहान में फर्स्ट आई, बल्कि संगीत नृत्य और चित्रकारी में भी हिंदुस्तानी सभ्यता का आदर्श है कुमारी रमा। प्रिंसिपल साहबा, प्रोफेसर और मिस इंडिया, मैंने विद्यार्थी लड़कियों को मिस इंडिया के नाम से पुकारा क्योंकि इंडिया यानी भारत का भविष्य इन्हीं के हाथ में है। औरत देश और कौम को बनाती है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको ये देखना है कि आपकी ये विद्या इस जिम्मेदारी को निभाने में मदद है। हमारी सभ्यता में औरत का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने घर को खुशहाल बनाना, पति की सेवा करना और अपनी औलाद की बेहतरी की कोशिश करना। रमा की माँ, और रमा की माँ, देखो रमा बेटी आ गई है। बैठो बेटी बैठो। टोपी कहाँ है? ओ, ये कौन है? अजी यही तो है टोपी वाली। माँ जी भी डर गई। ये रमा है? हाय, मैंने तो समझा कोई वकील आया है। वकील नहीं माँ जी, जज, फांसी देने वाला। रमा बेटी। माँ जी, आज मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हुई, मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई। अब तुम कहोगे सौतेली है इसलिए कह रही, मगर मुझे तो लड़कियों का इतना पढ़ना बिल्कुल फजूल लगता है। तुमने अपनी सारी नकदी उसकी पढ़ाई में खर्च कर दी। अगर वही तुम इसके दहेज में देकर अच्छी तरह से ब्याह कर देते तो इसका कुछ बनता भी? इस पढ़ाई को लेकर ये क्या करेगी? इसकी ये तालीम ही इसका सबसे बड़ा दहेज है रमा की माँ, तुम क्या जानो? तालीम अगर दहेज है तो इसकी शादी किसी अच्छी जगह बगैर दहेज के करके दिखाओ, तब जानो। माँ जी ठीक कहती है पिताजी, मेरी शादी बगैर दहेज के ही होनी चाहिए। हो चुकी, कोई टूटा फूटा क्लर्क चाहे मिल जाए मगर खानदानी मिलना मुश्किल है। मैं तुम्हें गलत साबित करके रहूंगा रमा की माँ, मैं इसकी शादी वहीं करूंगा जो इसकी तालीम ही को दहेज समझे, और बहुत अच्छी जगह करूंगा। जब कर लोगे तब मान जाऊंगी। मैं आज ही अखबार में इश्तिहार देता हूँ, जरूरत है सुंदर ग्रेजुएट लड़की के लिए एक अच्छे और खानदानी वर की, जिसे दहेज की कोई ख्वाहिश ना हो। इस झूठी एक्टिंग का क्या फायदा? जैसे कि हम बड़ी चैन और सुख की जिंदगी गुजार रहे हैं। इस वक्त बंबई में शराब की स्मगलिंग का बेस्ट टाइम, और अपने पास इस बिजनेस के लिए एक पैसा भी नहीं, सारे का सारा गोदाम बेकार पड़ा हुआ है। एक तरीके से पैसा मिल सकता है। कौन से तरीके से? पुलिस ने तुम्हें पकड़ने का 10,000 का इनाम रखा है ना? पुतली, ये मजाक का वक्त नहीं। तुम शादी से पहले इतना गुस्सा दिखाते हो तो शादी के बाद क्या होगा? और गुस्सा, मगर तुम दोनों कम से कम ईमानदार तो हो। जो बदतमीजी तुम लोग शादी से पहले कर रहे हो वही शादी के बाद करोगे, मगर यहाँ तो हर शादी के इश्तेहार में ये होता है कि लड़की सोशलवती और लड़का बेजबान, मगर शादी हुई नहीं कि लड़की दुर्गति और लड़का बेईमान। इसका धंधा ठीक है भाई। तू तो बस सारा दिन शादी के इश्तेहार ही पढ़ता रहता। मिस्टर चिटकू एंड मिस्टर पिटकू, जिंदगी का जो तजुर्बा इन शादी के इश्तेहारों में मिलता है वो किसी पुस्तक में नहीं मिलता। ये आज ही दिल्ली से एक बाप फरमाते हैं कि लड़की ने वकालत पास कर रखी है इसलिए दहेज नहीं देंगे, क्योंकि तालीम ही सबसे बड़ा दहेज। कोई अनपढ़ होगा। लाला गिरधारी लाल, रिटायर्ड स्टेशन मास्टर। लाला गिरधारी लाल? हाँ।
इसके पास तो अच्छी खासी दौलत है, 25-30 हजार रुपए का तो मकान ही होगा। तुम्हें कैसे मालूम? मेरे पिताजी भी रेलवे में मुलाजिम थे और इसी गिरधारी लाल ने उन पर रिश्वत का इल्जाम लगाकर उन्हें नौकरी से अलग करवा दिया था। आप तो अच्छा खासा खानदानी मालूम होते हैं। एक पंथ दो काज, बाप का बदला भी निकल जाएगा और माल भी हाथ आएगा। सूझ गई? माल? माल का तो इसमें जिक्र भी नहीं, सिर्फ तालीम का जिक्र है। लड़की LLB है। अजी अगर उसका मकान ना बिकवा दूं तो जगदीश नाम नहीं। महमूद ये इसे शाह का जवाब लिखो। तुम्हारी तरफ से ठगली। मैं यहाँ बंबई जैसे बड़े शहर में पुलिस से सर नहीं छुपा सकता, वहां दिल्ली में जाकर मुझे हथकड़ी लगवाना है। मुझे तो तलाश है किसी ऐसे जरूरतमंद इंसान की जो कि। अच्छा तुम जा सकते हो। शुक्रिया। शुक्रिया। अनिल। ओ जगदीश, वो वक्त पर आए। हम वक्त पर ही पहुंचाते हैं और वक्त पर ही लेने आते हैं। लेकिन अब की तुम्हारे लिए ऐसा प्रोग्राम सोचा है कि बस याद ही करोगे। रमा की माँ, रमा क्या है पिताजी? बताता हूँ, तुम्हारी माँ कहाँ? अंदर होंगी। आओ मेरे साथ। रमा की माँ क्या है? अरे क्या है क्या है, इधर आओ मेरे साथ। आओ बैठो यहाँ। इतना शोर मचा रहे हो, क्या बात है? बैठो। तुमने क्या कहा था कि चाहे कोई टूटा फूटा क्लर्क मिल जाए लेकिन खानदानी मिलना मुश्किल है, हैं? लो सुनो, पूज्य लाला जी, मैं बंबई के नजदीक गोपालपुर नाम की एक छोटी सी रियासत का राजकुमार हूं। आजकल रियासतों की वो बात तो नहीं रही, फिर भी भगवान का दिया बहुत कुछ है। इतना शरीफ आदमी है, मुझे एक नेक पढ़ी लिखी जीवन साथी की जरूरत है। जहेज के बारे में आपने जिस सच्चाई से लिखा उसने मेरा दिल जीत लिया। मुझे जहेज की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं इस एतवार को दिल्ली एक काम से आ रहा हूँ, वहाँ ग्रेट होटल में ठहरूंगा। अगर आप मुझे वहाँ मुलाकात का फख्र दें तो बात पक्की हो जाए। राजकुमार गोपालपुर। अब बोलो, चुप हो गई? अब तुम कहोगे कि सौतेली है इसलिए कह रही, मगर अभी तो बात पक्की होनी है ना। कहने में और करने में बहुत फर्क है। ओहो, तुम हार न मानना, मेरी बेटी की शादी इसी राजकुमार से होगी और इस मोहल्ले में ही उसकी बारात आएगी, तुम देख लेना। अच्छी बात। महाराज कुमार गोपालपुर एंड पार्टी एट योर सर्विस। योर हाइनेस, दिल्ली में आपके लिए बेस्ट होटल का इंतजाम कर दिया गया और वो दुल्हन के लिए नकली जेवरात वहीं से लीजिए। बहुत अच्छा। और ये लीजिए। ये क्या? हिफाजत के लिए। हिफाजत के लिए? अजी मैं अपनी हिफाजत पिस्तौल के बगैर ही कर सकता हूँ, इसे आप अपनी हिफाजत के लिए रखिए। मेरी हिफाजत के लिए ये रिवॉल्वर है, जर्मन, माय लकी रिवॉल्वर। जब तक ये मेरे पास है बंदे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। और बंदे को तो वैसे ही कोई हाथ नहीं लगा सकता। सेक्रेटरी साहिबान, बंबई से दिल्ली दूर नहीं, चलो। यस सर। पैसा पे कर देना। ओके सर। टैक्सी वाला? कितना पैसा होगा? 10 रुपया। 10 रुपया बहुत सस्ता है। टाइम क्या हुआ? 4:04। ये लो 5, 6, 7, 8, 9, 10 पूरा हो गया। देखो सेक्रेटरी साहबान, फिर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए। यार तुम तो सचमुच के राजकुमार ही बन बैठे। बिल्कुल, चोरी चकारी की प्रैक्टिस तो चलती ही रहनी चाहिए। सही बात है, सही बात है। मैं तो इस नवाबबाजी से तंग आ गया हूँ, जब से नए जूते पहने पाँव दुखने लगा। यार जब से ये टोपी और ये कुर्ता पहना है अपना तो सारा जिस्म दुखने लग गया। अरे ठहरो यार, वो लाला अभी आने वाला है, पहले उसकी स्वागत की एक रिहर्सल कर लो फिर आराम करना। चल चलो चलो। अजी वो रिहर्सल तो जबानी याद है,
कॉमरेड्स। लाला जी, लाला जी, वाह 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 वाह, खत में जो पढ़ा था उससे भी कुछ ज्यादा ही पाया। आप ही शायद राजकुमार हैं। जी, तशरीफ रखिए। मेहरबानी। मेरे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सफाई, सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी इनपुट, सेक्रेटरी इनपुट। हो, आदमी देखते ही समझा जाता है। कुछ राजकुमार तो ऐसे होते हैं कि समझो चोर नजर आते। मगर आप तो आपकी पहचान की दाद देता हूं। हाँ, तो वो मेरा खत आपको मिल गया था ना? जी हाँ, आपने मुझ जैसे गरीब आदमी के साथ रिश्ता कायम करने की ख्वाहिश जाहिर की, मुझे यकीन नहीं आता। आप छुपा रुस्तम हैं लाला जी, आपकी ये छड़ी बता रही है, चांदी की मुट्ठी वाली। नहीं नहीं, इस छड़ी पर न जाइए, ये तो मेरी दयानतदारी के सिले में 10 बरस हुए मेरे हाकिम ने मुझे इनाम में दी थी। आपने अपनी लड़की की शादी का जो इश्तेहार दिया उसी से आपकी ईमानदारी नजर आती है। कोई दहेज नहीं होगा, मुझे दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर का दिया हुआ बहुत कुछ है, बस शरीफ खानदान की लड़की और पढ़ी लिखी हो। लाला जी, हमारा रिश्ता हो गया। तो आप लड़की को देखेंगे नहीं? उसके हाथ पांव नाक नक्श तो पूरे हैं ना? पूरे? अजी पूरे ही नहीं बल्कि अब मैं अपनी ही लड़की की क्या तारीफ करूं। तो फिर देखने की क्या जरूरत है, हमें गुण चाहिए, रूप नहीं। हाँ, सिर्फ एक बात है, हम शादी जल्दी चाहते हैं, हमारे लगन के हिसाब से यही हफ्ता अच्छा है। बेशक बेशक, मुझे मंजूर है। इंसान हो तो आप जैसा, आप सिर्फ हैसियत के ही राजकुमार नहीं, दिल के भी राजकुमार हैं। मेरी बच्ची फूली न समाएगी, मोहल्ले भर में मेरा नाम ऊंचा हो जाएगा। मेरी बच्ची का लगन एक राजकुमार से, और वो भी बगैर दहेज के। अच्छा राजकुमार, अब इजाजत है ना? जी हाँ। मिस्टर चीफ क्वीन, मिस्टर पिट को लाला जी की इज्जत से हमारे मोटर में उनके घर छोड़ो। राइट सर। आइए महाराज, आइए मेहरबानी। चलिए बगैर दहेज किया हम नाम के राजे हैं और ये भोला राजा। दरवाजा खोलो ड्राइवर। चलिए महाराज, आइए। चलिए दीजिए लाला जी, लीजिए। ये क्या है? हमारे महाराज कुमार की तरफ से उनकी होने वाली दुल्हन के लिए एक नाचीज तोहफा है लाला जी। बस यूं ही 30-35 हजार के जेवर हैं। जी हाँ, आप ही बहस का इंतजाम मत कीजिएगा, बस यही इतने कुछ जेवर का इंतजाम कर लीजिए। तू क्या समझाता है, लाला जी खुद बड़े समझदार आदमी है। चलो ड्राइवर, चलो। अच्छा लाला जी, चाचा जी सुना है रमा बहन की शादी किसी राजकुमार से होने वाली है। हाँ बेटी। तो इसी संगीत की पार्टी मेरे घर पे होगी। अच्छा, तो चलो रमा बहन को सजाएं। चलो चलो चलो, 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 चलो। गोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ना, ना। ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना, 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 ना। गोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना, 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 ना। भुलाओ ना गोरी जरा,
मोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना, ना ना ना। एक दिन अम्बुआ के पेड़ तले ढोलक के संग संग नाचे थे शाम ढले, याद करो याद करो। एक दिन अम्बुआ के पेड़ तले ढोलक के संग संग नाचे थे शाम ढले, बचपन के गीत वही फिर से सुनाओ ना, सुनाओ ना गोरी जरा मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना, ना ना ना। मुखड़े से घूंघट हटाओ ना, ऐसा भी क्या है सूरतिया दिखाओ ना। और पति के लिए स्त्री के सिवा और दुनिया में कोई बढ़कर लक्ष्मी नहीं। मोरी चांदी 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 गंगा तुम गंगा तुम गंगा तुम माती मोरी सर पावन तुम प्रदोषी तुम गरम प्रदीपन को तुम राम तुम शिरो गरम समम नमामी चंदन दोम दंबो मुद्र भुजम चंदी कर बचम भुजम विद्युत कांति समुद्रम तुम्हारम शक्ति अशोचो मंगलम प्रणमाम्यहम। मैंने तुम्हें एक जरूरी बात कहने के लिए यहां अकेले बुलाया है। जी। बेटी, तुम्हारी मां से छिपाकर मैंने राजकुमार को 25,000 के जेवर दिए। उन्होंने तुम्हें इतना सारा जेवर दिया, मुझे शर्म आ गई। मगर आपके पास इतना रुपया कहां से आया? ये मकान तुम्हारे लिए तो था, इसे गिरवी रख दिया है बेटी। पिताजी। क्या हुआ बेटी? लोग मरने के बाद अपनी जायदाद औलाद को दे देते हैं, और मैंने पहले ही दे दी, सिर्फ इतना ही किया ना? पिताजी। बेटी। अपने पिता से आशीर्वाद ले रही हो? मैंने सोचा सौतेली हूँ, फिर भी तुम्हारी माँ हूँ, आखिर मेरा भी तो कुछ अधिकार है। क्यों नहीं माँ जी, मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद है बेटी, कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अर्थी उसके पति के घर से। आपकी ये नसीहत मैं कभी ना भूलूंगी माँ जी। अभी दो एक दिन हम यही होटल में ठहरेंगे, क्योंकि बंबई के सफर के लिए शगुन अच्छा नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, ये तो और भी अच्छा हुआ। बेटी हमारे घर से विदा हो रही है, लेकिन शहर से नहीं। अच्छा लाला जी, इजाजत दीजिए। जाओ बेटी, सौभाग्यवती हो।
दिल्ली का मौसम अच्छा था बाबा की जाना। हाँ खान बाबा, उधर का जेवर भी असली हुए। मगर अब बम्बई में कयाम किधर करेगा वो? देखो तुम ये जेवर लेकर जगदीश के पास चले जाओ, मैं किसी होटल में छुपा रहूंगा और हवा जब बिल्कुल साफ हो जाएगा को लाले की जान हम भी मिलेंगे उधर तुम्हारे साथ। नमस्ते, तुम भी? हाँ मैं भी। कितनी सुहानी रात है, बहुत सुंदर, मगर कुछ डर भी लगता है ना, बहुत दिल धक धक करता है, मेरा भी, फिर भी अच्छा लगता है। एक राज की बात बताऊं? क्या? वो यानी दूल्हा हमसे भी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। हाँ मगर पता नहीं चलने देते, बड़ी बहादुरी की एक्टिंग करते हैं। तुम्हारे दूल्हा कैसे हैं? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, राजकुमार है, वाह वाह। और तुम्हारे खूबसूरत हैं? खूबसूरत तो नहीं मगर चलेगा, मेरी दिल का राजकुमार है। मेरी दूल्हा तो आ गए। Thank you.
अकेली तू मेरी, तू मेरी दुनिया, आ जा रे आ जा, रात मिलन की ना जा रे ना जा, मेरे सजना आ जा रे आ जा, रात मिलन की ना जा रे ना जा, मेरे सजना आ जा रे आ जा, आ जा। उठो, तुम्हारा पति कहाँ है? मेरे पति कहाँ है? तुम्हारा पति वो नहीं आए? क्यों नहीं आए? उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? इंस्पेक्टर साहब, इसकी चाल में मत आइए। इसका पति हमारे होटल का बिल दिए बाहर भाग गया, और यह पति की त्यागी हुई अबलक एक्टिंग करके हमसे बचना चाहती है। तुम्हारा साथी कहाँ है? कौन साथी? वही जो तुम्हारा पति बना हुआ था, वो झूठा राजकुमार और उसके दरबारी। कहाँ है वो झूठा राजकुमार? जैसे जानते नहीं, तुम्हारा पति बम्बई का मशहूर ठग था। होटल का बिल और इन दुकानदारों का सैकड़ों रुपए का माल लेकर रफू चक्कर हो गया है। मेरा पति ठग था? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये क्या कह रहे हैं आप? ये झूठी खबर दिखाने से कुछ नहीं बनेगा। पुलिस को तुम्हारे पति के बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। वो बम्बई के बहुत बड़े गुंडों के ग्रोह में से है। ये सब झूठ है, आपको ये कहने का क्या हक है? लो, वो हमें लूट के चला गया और ये दुहाई मचाने का हक पूछती है। बना दीजिए धनाधार साहब। एक बेगुनाह लड़की को पकड़कर उसकी बेइज्जती करने का अधिकार किसी हुकूमत को नहीं है। अब हुकूमत को भी धमकी देने लगी। पकड़िए इंस्पेक्टर साहब। ये ठीक कहते हैं, इनका जुर्म साबित किए बगैर मैं इन्हें नहीं पकड़ सकता। और हमारा पैसे का क्या बनेगा धनाधार साहब, जो इसको पति ले भागा है? ये लीजिए आपके पैसे। राजकुमारी साहिबा, ये सारे झूठे जेवर आपके राजकुमार ने 100 रुपए में मेरी दुकान से लिए थे। आप लोगों से सिर्फ पैसे का धोखा हुआ है, मगर इस बेचारी से जिंदगी का धोखा हो चुका है। अब इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए, चलिए। ठहरिए, पति ने जो धोखा अपनी पत्नी से किया है उसका जवाब मैं खुद उससे ले लूंगी, मगर मेरे पति ने जो धोखा आप लोगों से किया है उसका जवाब उसकी पत्नी को भी देना होगा। ये लीजिए सोने की माला, ये मेरी स्वर्गवासी मां की आखिरी निशानी है। इसे बेचकर आप लोग अपने पैसे वसूल कर लीजिए। देखो तू, असली है? असली कहाँ होगा जी? हाँ, ये तो बिल्कुल असली है। हाँ, असली है? असली? हाँ, हमारे सबके पैसे मिल जाएंगे, शायद कुछ बच भी जाएंगे। कुछ बच भी जाएंगे? हाँ, आप एक आध दिन और होटल में ठहर सकती है। हाँ, ठहर सकती है। आप मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे, तशरीफ ले जाइए। बेचारी अच्छी है, धोखेबाज के पाले पड़ गई। बेचारे ये भी क्या करेगी? मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद हुई थी कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अट्ठी उसके पति के घर। मेरी तो ये नसीहत ही आशीर्वाद हुई थी कि लड़की की डोली उसके माँ बाप के घर से उठती है और उसकी अट्ठी उसके पति के घर। हेलो, आप रात से बोल रहे हैं? मैं रमा बोल रही हूँ जी, जरा सामने से मेरे पिताजी को बुला दीजिए। थैंक यू। हेलो, कौन? रमा, क्या बात है बेटी? पिताजी, पिताजी मैं हवाई अड्डे से बोल रही हूँ। बात यह है कि इनको बंबई से इनके बड़े महाराज का तार आया है कि फौरन बंबई पहुंचो, हम अभी हवाई जहाज से जा रहे हैं। तुम्हारा मतलब है अभी हमसे बगैर मिले चली जाओगी? क्या करूं पिताजी, आपको होटल से टेलीफोन किया था मगर फोन ही ना मिल सका। हवाई जहाज बस 2 मिनट में छूटने ही वाला है, सो आपको मिल ना सकी। ओहो, ये तो अजीब बात है कि बेटी माँ बाप से मिले बगैर ही चली जाए। खैर, बंबई पहुंचते ही तार देना, राजी खुशी तो जा रही हो ना? हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ये बड़े अच्छे और बड़े नेक आदमी हैं, आप किसी किस्म की चिंता ना कीजिएगा, मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। अच्छा बेटी, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी, अब तो तू राजकुमारी बन गई।
अपने गरीब माँ बाप को जी से भुलाने देना बेटी। बड़े बड़े महलों, बड़ी बड़ी गाड़ियों, हीरे और जवाहरात पे पढ़कर हमें भूल न जाना। आप कैसी बातें करते हैं पिताजी, बेटी कभी माँ बाप को भूल सकी है? अच्छा आशीर्वाद दीजिए, वक्त हो गया है। अगर यहाँ किसी की तलाश करनी हो तो कैसे की जाए? बेटी ये तो तलाश किए जाने वाले पर है, अगर वह खूबसूरत है, नौजवान है और बेकार है तो किसी फिल्म कंपनी में ढूंढो।
खूबसूरत और नौजवान तो है मगर बेकार नहीं। बेकार नहीं तो फिर क्या काम करता है? यही चोरी चकारी। शादी के बाद दुल्हन का सारा दहेज लेकर भाग गया। समझा, तब तो उसे बदमाशों के अड्डों पर ढूंढना पड़ेगा, मगर तुम वहां नहीं जा सकती। लो बेटी, ये होटल सस्ता और इज्जतदार है। इसके मालिक और मालकिन जरा लालची जरूर हैं, मगर आदमी बहुत अच्छे हैं। ओ, बाबा तुम कल सुबह यहाँ आ सकते हो? क्यों नहीं, मुझे किसी की तलाश में जाना है। तुम भले आदमी मालूम होते हो, पर देश में थोड़ा ही सहारा बहुत होता है। मैं कल सुबह ही आ जाऊंगा बेटी। धन्यवाद। ये लो। यस प्लीज। मुझे एक कमरा चाहिए। कमरा कोई खाली नहीं है मैडम। अस्सलाम वालेकुम मैनेजर साहब। गुड इवनिंग सर। हमारा कमरा का ये चाबी है वे। हमारा कमरा को जरा झाड़ पूछ के रखा करे वे। हाँ, झाड़ पूछ के रखेगा। ये खान भी अजीब है, रात को जाता है सुबह को आता है। किधर चौकीदारी करता होगा। मैडम कह जो दिया कमरा कोई खाली नहीं है। देखिए मैं परदेसी हूँ, मुझे सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए। दिन को तो मैं बाहर ही रहूंगी। मगर रात को तो आकर कमरे में सोएंगी ना। जब कमरा कोई खाली नहीं तो फिर दिन क्या और रात क्या। जाइए जाइए, कमरा कोई खाली नहीं है। सोने के लिए कमरा चाहिए। डियर हस्बैंड। यस वाइफ। तुम एकदम इडियट है। हाउ? उस लड़की को बुलाओ। मगर कमरा कहाँ है? हम बताएगा। बेरा। यस मैडम। उस छोकरी को पकड़ के लाओ। बहुत अच्छा मैडम। मगर कौन सा कमरा है? नंबर 10। 10 नंबर? अरे उसमें तो पठान रहता है। वो रात को जाता है, दिन को आता है। ये दिन को जाएगी, रात को आएगी, समझा? अच्छा, वो रात को रहेगी और वो दिन को रहेगा, यानी दोनों को एक कमरे में डाल देंगे। यस, दोनों से किराया भी पूरा पूरा मिलेगा। वंडरफुल वंडरफुल। हम बोला था ना तुम एकदम इडियट है। यू आर राइट डार्लिंग। आगे आइए मैडम, आइए। एक कमरा खाली हो गया। दूसरा माले पर मैडम, पर तुम लिफ्ट से चलो। हाँ, सीढ़ी से बहुत टाइम लगेगा। कमान कमान कमान। तुम इधर से जाओ। कमान मैडम, कमान, तुमको फर्स्ट क्लास रूम देगा। कमान मैडम, कमान। ये कमरा है एकदम खाली। ये बिस्तर किसका? बिस्तर हम होटल के साथ ही सप्लाई करता है। इसका किराया कितना है? इसका किराया सिर्फ 5 रुपए रोज, पूरा 24 घंटे वाला रोज। और ये कपड़े किसके? कपड़े डियर हस्बैंड, ये कपड़े किसके हैं? ये मेरा पहला ग्राहक था, उसने हमारा किराया नहीं दिया। हाँ। मैंने उसके कपड़े रख लिए। मगर तुम फिक्र मत करो, तुम तो कैश पार्टी है। बैठो। ये कमरा मुझे पसंद है। थैंक यू। लेकिन एक बात है। कहो। सुबह जरा जल्दी उठा दीजिएगा, मुझे किसी की तलाश में जाना। मैं तुमको 4 बजे उठा दूंगा। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, 6 बजे ठीक रहेगा। अरे मैडम, 6 बजे का बात मत करो। इधर किसी को तलाश करना है ना बॉम्बे में, तो 4 बजे का टाइम बेस्ट है। बेस्ट बेस्ट, एकदम बेस्ट। अच्छा 5 बजे उठा दीजिए। 5 बजे? 5 बजे उठा। ठीक है ठीक है। अच्छा मैडम, गुड नाइट, गुड ड्रीम। हस्बैंड कपड़ा उठाओ, पहला ही बोला था मैम साहब को पूरा रूम देना है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। यस डार्लिंग। वाइफ। यस हस्बैंड। अभी 5 तो नहीं बचा? नहीं रे, हम अभी चिदे था, खाली 2 बजे। तुम अभी सोया नहीं? हमको नींद नहीं आ रहा, उस लड़की को कमरा से निकालने का फिक्र में। हमको भी नींद नहीं आ रहा वाइफ। यस हस्बैंड। मेरे ख्याल में लालच बुरी होती है, आदमी सो भी नहीं सकता। तुम ठीक कहते हैं, मगर हम लोगों को जल्दी अमीर होने को मांगता है। सोने वाला आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता। मगर अमीर बनते बनते कहीं दमीना निकल जाए। तुम फिक्र मत करो,
मोटे आदमी का जान जरा देर से निकलता है। हाँ। ये तो 5 बज गया। 5? पर तुम तो कहता था अभी 2 बजा है। ना कि जरा कमजोर है ना। अरे वो खान 5 बजे वापस आता है, उसने अपने कमरे में लड़की को देख लिया तो हम दोनों की हड्डी पस लिए। मैडम कौन है? हम लोग हस्बैंड वाइफ, जल्दी तो टाइम हो गया। 5 बज गए। पूरा 5 बज गया है, उठिए। लेकिन बाहर तो रात मालूम हो रही है। बॉम्बे में 5 बजे रात ही मालूम होता है। तो फिर मैं अभी से बाहर नहीं। नहीं मैडम, 5:15 दिन हो जाता है। बेचारा परदेसी ने, इसको बॉम्बे का कानून नहीं मालूम। चलो मैडम जल्दी करो, आप लोग अपने ग्राहकों का बड़ा ख्याल रखते। अरे भाई तेरे काम का हम ख्याल नहीं रखे तो हमारा किराया कैसे मिलेगा? जल्दी करो जल्दी। एक साली चाय मिलेगी, दो मिलेगी, जल्दी करो जल्दी। जल्दी जाओ, मैं कमरे का पोछपाछ करती हूँ। ओह माय गॉड, वो बावला पठान आएगा, मेरा मुंडी बराबर कर देगा इसका संदूक। ग्राहकों को काम पर भेजने की हमारी जिम्मेदारी होती है, हर अच्छे होटल वाला ऐसे ही किया करता है। मैं भूल गया, आइए लिफ्ट। मैं ये औरतों के लिए बना है, खास ओनली फॉर लेडी। तुम लिफ्ट से जाओ, मैं सीधे से आता हूँ। ओ खान, तुम आ गया। ओ लाले की जान, तुम इतना सुबह यहाँ क्या करता है वे? ग्राहकों की देखभाल करता है, चाय का इंतजाम करता है, हर अच्छे होटल वाला ऐसे ही किया करता है। शाबाश शाबाश, तुम बहुत अच्छा होटल वाला है। थैंक यू खान सर, थैंक यू, थैंक यू। खान साहब तुम आ गया। हो सुबह 5 बजे तुम हमारे कमरे में क्या करते हुए? तुम बोला तो ना झाड़ पोछ करना, हम झाड़ पोछ किया। हो सुबह, इतना सुबह तुम झाड़ पोछ करते हो? बात ये खान साहब, तो तुम हमको बहुत लवली लगता है, इसलिए हम सोचा तुम्हारा दर्शन करेगा। ओ, दर्शन दिया? जो, जो, जो। दिया। थैंक यू। पगले कहीं के। यहाँ से तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आज। शायद पगली ने पाउडर डाल दिया होगा। अरे बाबा, तुम इतनी सुबह आ गए। तुमने कहा जो था बेटी। मगर फिर भी ये तो बहुत ही सुबह है। बुढ़ापे में नींद कम आती है बेटी, सोचा चलकर खड़े ही हो जाए। बैठो। कहाँ जाओगी? वही चोर चक्कों के अड्डों पर। फिर सोच लो, शरीफ औरतें ऐसी जगह पर कभी नहीं गईं। यही तो बात है, हम शरीफ लोग बदमाशों से घबराते हैं। कौन जाने, शायद बदमाश भी हम शरीफों से घबराते हों। तुम चलो तो सही। तुम्हारी मर्जी। शरीफ लड़की आई है। क्या कहते हो? सच बात है, चलकर देख लो। क्या बात है? वो पुलिस है क्या? नहीं तो फिर क्यों डर रहे हो? एक शरीफ लड़की आई है। शरीफ लड़की? शरीफ लड़की का यहाँ क्या काम है? जरूर कोई धोखा है। हाँ हाँ, पुलिस की चाल है, दरवाजा मत खोलो। हाँ ठीक है, मत खोलो। ठहरो, अकेली है क्या? हाँ अकेली है। तो फिर डरने की क्या जरूरत है? अगर शरीफ है ना। मैं तो कहता हूँ जरूर कोई चाल है, दरवाजा मत खोलो। हाँ ठीक है, मत खोलो। सही बात है। आहिस्ता बोलो, दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा। तुम सब अपनी अपनी जगह चौकन्ने रहो, सुना? चलो 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 चलो। अच्छा तुम दूसरे को फोन। मैं यार छिपा दे नीचे। फरमाइए क्या बात है? मुझे किसी की तलाश है। मगर यहाँ तो सब शरीफ आते हैं। मैंने कब कहा कि यहाँ बदमाश है? औरत सहायता कमेटी की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। अच्छा, मुबारक हो। नहीं नहीं, हमारे
धन्यवाद करने की जरूरत नहीं। औरतों को हर बंधन से आजाद कराना हमारा फर्ज है। हाँ गर्ल, हमारी मेहनत सफल हुई, मिसेस चटर्जी को डाइवोर्स मिल गया। बहुत खुश हिम्मत आ गया। नमस्ते। यस फरमाइए। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। बैठिए, क्या तकलीफ है आपको? मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। पति छोड़कर चले गए? बहुत तलाश किया मगर कामयाब नहीं हुई। क्या नाम है आपका? रमा। अभी तक मिले नहीं? बिचारी, मर्द बहुत खराब होते हैं। धोखेबाज, फजूल, बेरहम। आप मेरी मदद कर सकती हैं? क्यों नहीं, आपको फौरन डाइवोर्स मिल सकता है। आज ही आपकी तरफ से मुकदमा कर दिया जाएगा। डाइवोर्स? मुझे मेरा पति चाहिए, डाइवोर्स नहीं चाहिए। डाइवोर्स नहीं चाहिए? उसने तुम पर इतना जुल्म किया और तुम डाइवोर्स नहीं चाहती हो? बहन, औरतों को मर्दों से आजाद होने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भी डाइवोर्स ले लिया है, इसने भी, उसने भी, देखो हम सब कितने खुश हैं। मगर डाइवोर्स लेने से पहले आप लोगों ने घर बसाने की कोशिश तो की होगी। क्यों, जब मर्द घर बसाने की कोशिश नहीं करता तो औरत क्यों करे? जिस तरह तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया है उसी तरह तुम उसे छोड़ दो। हाँ, नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, प्रेम और प्यार से मिटाया जाता है। प्रेम और प्यार ही हिंदुस्तानी औरत के लिए सबसे बड़ी कमजोरी है। प्रेम और प्यार हिंदुस्तानी औरत की सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। तुम हमसे मदद लेने आई हो या देने? आई तो थी आपसे मदद लेने ही, मगर देखती हूँ मुझसे ज्यादा मदद की जरूरत आपको है। हमें किसी मदद की जरूरत नहीं, हम आजाद औरतें हैं, हर बंधन से आजाद। औरत का सबसे बड़ा बंधन मर्द है और मर्द जात से हमें सख्त नफरत है। यस कौन? प्रेम कुमार। वही है मेरा प्रेम कुमार, मेरा पुराना पति। प्रेम, कब से तुम्हारे इंतजार में तड़प रही हूँ, कब मुलाकात होगी? कल शाम। वंडरफुल। थैंक यू। प्रेम के संग बिताऊंगे जीवन के सब संसार। तुम बकते हैं इडियट, हमारे इधर खाना बासी मिलता है। ए वाइफ, ए वाइफ। यस हस्बैंड। वो 10 नंबर वाली लड़की आज जल्दी आ गई है और ऊपर वो खान साहब सो रहा है। माय गॉड, तुम ऐसा करो वो खान साहब को पीछू का रास्ते से भगाओ। अच्छा। और मैं इस मैडम को बातचीत में लगाती हूँ। हेलो 10 नंबर वाला मैम साहब, देखो आज मेरा तबीयत बहुत उदास है, जरा 2-4 बातचीत करो ना। मैं बहुत थक गई। अरे तुम एक कप चाय पिएगा, 2 बात करेंगे, तुम्हारा तबीयत अच्छा हो जाएगा। बैठो बैठो। बॉय। यस मैडम। देखो एक कप चाय लाओ हमारा हिसाब में। बहुत अच्छा मैडम। ओ खान बाबा, ओ उठो खान, उठो। क्या हुआ वे? और तुम अभी तक सोता है, काम पे नहीं जाना? ओ हमारा काम का तुमको क्या फिक्र है वे? अरे भाई, हम तुम्हारे काम का फिक्र नहीं करेगा तो हमको किराया कैसे मिलेगा? ओ लाला तुम फिक्र ना करो, हमारे पास बहुत माल है। अरे हमारा पहला गिरा भी ऐसा ही बोलता था, आखिर में उसका हमको कपड़ा गिरो रखना पड़ा, हम तुम्हारा कपड़ा नहीं रखना चाहता। चलो काम पे, हमें जूता तो पहन लेना। अरे पहन लो भाई। और ये लो। अरे बाबा छोड़ी, अरे काम पे चलो खुदा रहा। अरे जल्दी क्या कर दो, चलो बाबा काम पे चलो बाबा। अरे तुम इतना सुस्त हो गया, तुम क्या कर दो? हमारा जिम्मेदारी है तो चलो। मैडम चाय कैसा था? ये शोर कैसा? कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ख्याल मत करो, वो तो खाली पीली एक अपनी इधर पठान जैसा बावला है, कुछ पागल मालूम होता है। सब आ जाए, बताते ही आ गया। ओहो आज ही कुछ नींद आ गया। सर क्या है? कल 10 नंबर वाला खान साहब है ना, वो आज जल्दी आ गया है। हाँ, और वो अपने कमरे में चला गया है। कमरे में चला गया? टेढ़ा गरक, कड़ी लग जाएगी। अरे सोचो बॉय, देखो तुम ऐसा करो, अपना बिजली का मेन स्विच है ना, वो जाके बंद कर दो। अरे ये बत्ती कैसे बंद हो गई? ये होटल है ये क्या? ये शोर कैसा है? अजीब होटल है। हमेशा हमको बाहर निकलते हैं। क्या
दीदी आ गई थी, जगह नहीं थी, तुम्हारा कमरा दे दिया, हम अपना कमरा तुमको दे देंगे। नहीं चाहिए तुम्हारा कमरा, अब हम एक मिनट भी तुम्हारे होटल में नहीं ठहरेंगे। हमारा किराया खो, तुम हमारे कमरे में दूसरों को डालकर किराया मांगता है, हम तुम दोनों को खत्म कर देंगे। वाइफ, यस हस्बैंड, तुम एकदम इडियट है, ज्यादा किराया लेते लेते ये भी गया, बोलो तुम इडियट है। यस यू आर राइट, किराया तुम लोगों को किराया नहीं जुर्माना होना चाहिए। वाइफ, यस हस्बैंड, हमको मालूम है। क्या मालूम है? हम एकदम इडियट है, दो दो किराएदार का लालच किया और दोनों गया और नींद भी गया। यस, अब हम कभी लालच नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। यस, एक लड़की नौकरी के लिए आई है। पढ़ी लिखी है? जी हाँ। खूबसूरत है? जी हाँ। नौजवान है? जी हाँ। तो कोई बात नहीं, आने दो। कम इन प्लीज। नमस्ते। नॉट बैड, नॉट बैड, बी सीटेड प्लीज, बी सीटेड। आप पढ़ी लिखी हैं? जी हाँ, ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट? जी, क्यों? कोई बात नहीं, आपने नमस्ते कुछ सादगी से की कि मैंने सोचा शायद। ग्रेजुएट क्या करते हैं? यही जो करना चाहिए, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाउ आर यू वगैरह, मगर कोई बात नहीं। तो आपको नौकरी की तलाश है? जी। आप ऐसी खूबसूरत लड़की के लिए इतने बड़े शहर में नौकरी की क्या कमी है? मगर ये नमस्ते, ये सादगी नहीं चलेगी। यू हैव टू बी स्मार्ट, आपकी पर्सनालिटी बननी चाहिए, ऐसी पर्सनालिटी कि दुनिया देख के दंग रह जाए। मगर कोई बात नहीं, हम आपकी पर्सनालिटी बनाएंगे। सेक्रेटरी, yes, देखो तो इनका क्या बन सकता है। Well, let me see now. Yes, a lot could be done about her. Her hair should be cut in a Hollywood style. A little more lipstick. Some more rouge on her cheeks. ये सारी ऐसा पेन है जैसे फॉर्म नजर है। मुझे नौकरी की जरूरत है, जिसम का फॉर्म दिखाने की जरूरत नहीं। मैडम, आजकल लड़कियों को नौकरी उनकी काबिलियत से नहीं मिलती है, उनके फैशन और चमक दमक से मिलती है। नौजवान औरत की एक मुस्कुराहट, उसके देखने का अंदाज, उसके खड़े होने का स्टाइल, ये सब हजारों रुपए का बिजनेस पैदा कर सकती है। इसीलिए आजकल हर बिजनेस कंपनी ऐसी लड़कियों की तलाश में है। आपका धन्यवाद, मगर मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसी नौकरी की जरूरत है जिसमें मेरा काम, मेरी अक्ल, मेरी काबिलियत देखी जाए, न कि मेरी खूबसूरती। मगर इसमें बुरी बात क्या है? ईश्वर ने आपको खूबसूरती दी है तो उसका फायदा उठाइए। जी, बुरी बात तो कोई नहीं, सिर्फ ये सोचती हूँ कि जब वेश्या अपना जिस्म बेचती है तो लोग उसे बुरा क्यों कहते हैं। तुम तो बहुत पुराने ख्याल की लड़की हो। आपने ठीक कहा, मैं बहुत पुराने ख्याल की लड़की हूँ। मैं उसी पुरानी सभ्यता को पसंद करती हूँ जिसमें औरत की इज्जत उसके गुण से नापी जाती है, उसके तन से नहीं। जब तुमने कहा था कि तुम ग्रेजुएट हो तो मुझे शक हुआ था, अब यकीन हो गया है कि तुम्हारी जैसी गांव लड़की ग्रेजुएट नहीं हो सकती है। तुम्हारे लिए मेरे पास कोई जगह नहीं। वो तो मैं समझ गई, आपकी सोसाइटी में सिर्फ चमकीली और भड़कीली लड़कियों के लिए जगह है, जिनके लिए फैशन का नाम विद्या है और बेशर्मी का नाम सभ्यता। आपकी सोसाइटी में सादा, शर्मीली और इज्जतदार लड़कियों को तो भूखा ही मरना पड़ेगा, मगर मुझे ऐसे रोजगार से बेरोजगारी मंजूर है। नमस्ते। माय माय, हम वक्त जाया किया। कोई बात नहीं। कोई बात क्यों नहीं, गेट आउट। ठहरो बाबा, मुझे यही उतार दो। क्यों बेटी, होटल नहीं जाओगी? नहीं, होटल तो मैंने छोड़ दिया। तो इस वक्त कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी, यहीं कहीं धर्मशाला में रह जाऊंगी। मैंने उनकी बहुत तलाश की, अब मैं अपनी मुसीबतों में तुम्हें कहां साथ लिए फिरूं। तुम्हारा धन्यवाद, तुमने मेरी बड़ी मदद की। अच्छा बेटी, खुदा हाफिज।
राह में मुझे चल दिया कारवा छोड़ के जाऊं मैं कहां ये जमीन ये जहां छोड़ के राह में मुझे चल दिया कारवा छोड़ के जाऊं मैं कहां ये घुमड़ घुमड़ बरसाते ऐसे में दिल से कर ले दो चार नजर की बातें ये भीगी भीगी रातें ये घुमड़ घुमड़ बरसाते ऐसे में दिल से कर ले दो चार नजर की बातें बाहों में आके सो जा खो जा खो जा जाऊं मैं कहां ये जमीन ये जहां छोड़ के राह में मुझे चल दिया कारवां छोड़ के जाऊं मैं कहां ऐसे में दिल से कर ले दो चार नजर की बातें ये भीगी भीगी रातें ये घुमड़ घुमड़ बरसातें ऐसे में दिल से कर ले दो चार नजर की बातें बाहों में आके सो जा खो जा खो जा घुमड़ बरसाते ऐसे में दिल से ये तो वार्नर था जिसके बारे में दिल्ली की पुलिस ने भी रिपोर्ट किया है अरे वो तो इसके कपड़े पहन कर भाग गया यही तो था अरे
तो इधर ही था, लेकिन आगे से कमबख्त भैया ढूंढ निकला और असल मुजरिम भी गया। मेरे ख्याल में वो यहीं कहीं छुपा होगा, तलाश करो। साहब क्या है? खून, खून, खून। अरे ये तो गर्म है, इसका मतलब है उसे हमारी गोली लगी है। हो सकता है साहब। ये देखो खून की धार किस तरफ जा रही है, इसको फॉलो करो, पत्ती लाओ, जल्दी करो। छोकरी है, पहले वो अपन के साथ नजर लड़ाया, अभी किसी दूसरा को हो गया। अपन भी आज नोटिस दिया, अगर वो जाड़ के नीचे नहीं मिलेगा तो हम अपने आप को जख्मी कर लेगा। मगर वो जालम नहीं मिला, हम अपने आप को जख्म लगाया। आखिर मर्द का बच्चा है ना, पागल है। साहब तुम गवर्नमेंट है ना, तुम अपन का इंसाफ करो। अपन को छोकरी दिला रहे तो हम खलास हो जाएगा। पुलिस के लिए यही काम रह गया क्या? चलो। नहीं साहब, नहीं, हमारा इंसाफ करो। क्या बकवास, छोड़ यहां से। अपन भी तेरा माफी के चोर, ये देख अपन को भी पुलिस का मार लगेला है। पुलिस की? पुलिस बाहर खड़े ला है, पर तुम इधर छुपा रहो। अपन तेरे वास्ते खाना पीना और दवाई का इंतजाम करेगा। क्या सुन, बड़े अच्छे आदमी हो। अभी कैसा बात करता है साहब? तो ये देखो, ये पुलिस लोग आपस में एक दूसरे का मदद करता है ना, ऐसा आज अपन चोर लोग को भी एक दूसरे का मदद करने मांगता। क्या समझा? अभी सो जा तू। हाँ ये भी ठीक है, बच के किधर जाएगा? रात हो या दिन मुझे
अभी देखो साहब, तुम्हारा जख्म एकदम बरोबर हो गया है। राम, तूने मेरी बड़ी मदद की है यार, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं, बोल। ऐसा है कि आपुन को तुम्हारे से मोहब्बत हो गई है हाँ भाई। आपुन तो तुम्हारे साथ ही रहने को मांगते। ऐसा? तो चल मैं तुझे अपने गोदाम में नौकरी दिलवाता हूँ। अरे वाह उस्ताद, तुम्हारा जवाब नहीं है हम कसम। चल। अरे पुलिस तो कब की साफ हो गई लिए। अच्छा चल। हाँ पार्टनर। अरे अनिल कहाँ था तू, सारे शहर में ढूंढ मारा। तुम तो भाग निकले, अपन को गोली लग गई थी। गोली? हाँ। कहाँ? इधर कंधे पर, मगर अब तो ठीक हो गया हूँ। पुतली कहाँ है? ऑफिस में होगी। क्यों? एक दोस्त को नौकरी दिलवाना है। तो जाओ जाकर बात कर लो, मैं यहाँ एक आसामी का इंतजार कर रहा। ऐसे? गुड लक। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बॉस। ओह गुड मॉर्निंग अनिल। हुज दिस? ये भी मेरी तरह एक बेपिंदा लोटा है, नौकरी के तलाश में था, कल अचानक मुलाकात हो गई। एक ही दिन में इतनी दोस्ती? मैडम कभी कभी एक ही दिन में ऐसा लगता है जैसे कि जन्म जन्मांतर के साथी हो। अबुल कल्तान ने भी ऐसा ही बोला था। छोकरा हर तरह से वफादार है। समझी। जा छोकरे, आज से तुम्हारी नौकरी लग गई। हाँ, काम पर जाओ।
हम भी तो हर तरह से वफादार हैं अनिल बाबू। काम क्या करने का आनंद साहब? अरे जाओ कुछ भी करो ना, यहाँ क्या करता है? हमारा कारोबार पसंद आया पार्टनर? आपका तजुर्बा काफी है। तो हमारे तजुर्बे से फायदा उठाओ ना। बदतमीज चूहा। आप उनका तजुर्बा काफी नहीं है मेम साहब। अभी काफी नहीं तो एक ड्रम फेंका है, जब काफी हो जाएगा तो सारा गुदाम फेंक दोगे। इडियट। जो हुकुम मेम साहब। कैसा बदतमीज चूक रहे? रामू होश से काम करो, जाओ उधर जाओ। अच्छा साहब, अभी एकदम होश में काम करेगा। जरा तुम भी होशियार रहना भाई। छोड़ो इसे, मेरी बात का जवाब दो। जवाब ही समझो। देखो अली, अगर पार्टनर बने हो तो तुम्हें लाइफ पार्टनर भी बनना हो। जीवन साथी। इडियट, ये होश से काम करता है तू? अपन तो होशियार बोला था मैंने, सब तुम सुना नहीं हो मैंने। थ्रो हिम आउट। रामो, थ्रो योरसेल्फ आउट। ओह नॉट दिस, यू। हां ये नहीं, तुम आउट। मैं ऐसा बोल रहा साहब, अपन को तुम्हारा अंग्रेजी को समझ में नहीं आता, काहे वो काफी तेरी गोम मारता है। बाजू यू इडियट। अंग्रेज चले गए, इनको इधर ही छोड़ के गए। बड़ा बदतमीज छोड़ रहे ये। रामो, रामू क्या कर रहे हैं यार? आप उनका बैठने का वास्ते जगह बनाते हैं साहब। ओहो, तू हमेशा काम ही करते रहते हैं। आप उनको काम में बहुत खुशी मिलता है साहब, काम में बहुत इज्जत है। इज्जत? काम में कोई इज्जत नहीं रामू, काम में कोई खुशी नहीं। अरे ये बातें अमीरों ने गरीबों को बेवकूफ बनाने के लिए लिखी है। काम में कोई खुशी नहीं, कोई खुशी नहीं। खुशी तो सिर्फ इसमें है। ले तू भी पी जा। मैं? हाँ बैठ जा। मैं? बैठ जा। ले पी ले। नहीं नहीं साहब। ए! कैसे पिएगा साहब, गिलास नहीं है, अपन को बोतल में से पीने को नहीं आएगा। अच्छा हाथ में पी जा। हाथ में? हाँ हाथ में। नहीं नहीं साहब। नहीं नहीं क्या, बड़ा मजा आएगा। प्रसाद है प्यारे, प्रसाद ले पी जा, पी जा, पी जा। तो बहुत कड़वी है साहब। अरे बेवकूफ, शराब कभी मीठी होती है? माँ कसम तो बड़ा बोला है। बड़ा बोला है, कड़वी है यार। अरे हर गुना देखने में मीठा मगर चखने में कड़वा होता है। ले इसमें। नहीं सामने। नहीं नहीं क्या, पी पी। ओह सीना जल गया। ले फिर पी जा, अब सीना ठंडा हो जाएगा। मर गया साहब। नहीं नहीं नहीं, पीना हराम है ना पिलाना हराम है, पीने के बाद होश में आना हराम है। चढ़ी साले को रामो। ए रामो क्या है भाई? मजा आया? बहुत मजा आया। हाँ बोल, मां कसम बोल, कैसी चीज है? बहुत अच्छी चीज है यार, बहुत अच्छी चीज है। इंसान को बदमाश और बदमाश को बड़ा बदमाश बना देती है। कहा ठीक, बिल्कुल ठीक कहा रामू। आजकल तो बदमाशी में ही मुआश है, बदमाशी में ही मुआश है। मुआश? हाँ, रोजी
बदमाशी में ही रोजी है। ये भी ठेका तूने? ठेका ना? चल बदमाश की तलाश में। यार आज तुमने पिला दिए ना, बस अब तो डाका ही मारने को दिल करता है। चल आज लूटेंगे किसी को, गला काट देंगे उस साले का। नहीं नहीं पागल हो गया ना? अम्मा दारू भी कर कुछ दिल ही दिखाता है, शराबियों के नाम पर भट्टा लगा। माँ कसम आज तो दो चार की गर्दनें मरोड़ दूंगा। तेरी शराब अच्छी नहीं है, चाय है। प्याला भर के दे इधर। चमन की सिमत कर नजर, समा तो देख बेखबर, फिक्र जायदा न कर। प्याला भर। नहीं देख। नहीं नहीं ऐसा करेगा तो आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। दोस्ती खत्म? तेरी और मेरी दोस्ती खत्म? कैसे खत्म हो सकती है यार, हमारी आह में कुछ भी असर नहीं। अरे मरते हैं जिसके वास्ते उसको खबर नहीं। दे नहीं वाह नहीं, अब होश में आ। वीरा राम है नबिला ना हराम है। होश में आ राम। अरे वीरे के बाद होश में आरा हराम है। रामू तूने तो मेरा नशा भी खत्म कर दिया यार, तो मुझे और पिला, नहीं तो तुम्हे नहीं पीने का वादा। ओ, हाँ बाबा हाँ, मैं वादा करता हूँ मैं कभी नहीं पीऊंगा। तो कसम खा। हाँ हाँ ईश्वर की कसम, कसम खा। हाँ ईश्वर की कसम मैं कभी नहीं पीऊंगा। हाँ। ये देख वाह रामू, ये शराब तो वाकई बहुत बुरी चीज है, अच्छे भले को भी बेवकूफ बना देती है। ए रामू उठ उठ। अरे अपन का तो पाकिट मारा गया भाई। पाकिट मारा गया भाई? तुम्हारे जैसा आदमी इधर दिन में बहुत आता है। सच्ची बोलता है? साफ सच्ची बोलता है। इधर पैसा निकालना वरना पुलिस को बुलाएगा। मैम साहब ये छोकरा पैसा नहीं देता है। क्या है? अरे तुम वो अरे 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 मैं तुम्हारी दिल्ली की दुल्हन। ये देखो कौन तुम, दिल्ली की दुल्हन। अरे जाओ जाओ अपना काम करो, ये अपनी है। बैठो बैठो, ये होटल तुम्हारा है क्या? मेरा ही समझो, मैं ही चलाती हूँ। और तुम्हारे पति क्या करते हैं? लोक सेवा, एक सेवा समिति खोली है। यतीम बच्चे बेघर औरतें इन सब की मदद को पहुँच जाते हैं। ये काम तो बहुत अच्छा है। काम तो अच्छा है मगर होटल की सारी कमाई प्यारा इसी में खर्च कर देता है। प्यारा? हाँ श्री प्यारे लाल मेरे पति। ओ नाम ही प्यारे लाल है। हाँ प्यारा जो हुआ। श्रीमती यहाँ। अरे आज तो बड़े शुभ दिन रहा। क्या? तीन यतीम बच्चे और मिल गए। लाओ लाओ देखो बेरा आओ, इन तीनों बच्चों के लिए केक बिस्कुट पेस्ट्री सब कुछ लेके आओ। जी सर। और तीन ब्रह्मचारियों के लिए छह छह प्याले दूध के। जी बहुत। और आधा फिर पेशौरी गुड़ भी। हाँ, जी बहुत। हाँ, हाँ, पेशौरी गुड़। जी बहुत। बैठो भाई बैठो, आज बड़े शुभ दिन था। आप लड़की है? हाँ लड़की है। नमस्ते। नमस्ते। वही दिल्ली के होटल में जहाँ हमने शादी की पहली रात काटी थी ना, सामने के कमरे में ये और इनके दूल्हा थे। अच्छा। हाँ आपके पति कहाँ है देवी जी? क्या बताऊं भाई साहब, वो तो मुझे शादी की पहली रात ही छोड़कर चले गए। छोड़ गए? हाँ उन्हीं की तलाश में तो बंबई आई थी। मगर क्यों छोड़ गए? वो कुछ बदमाशों के झांसे में आकर सारा जहेज भी लेकर चले गए। ओहो तो अभी तक मिले नहीं?
मिले तो हैं मगर ना मिलने के बराबर। समझ गया। खैर घबराइए मत, मिल जाएंगे। मिल जाएंगे? जी हाँ, प्यारे लाल एंड पार्टी को आज तक ना कामयाबी नहीं हुई, हम आपकी मदद करेंगे। बोलिए आपकी शादी कैसे हुई थी? जी अखबार के जरिए, उन्होंने अपने आप को राजकुमार जाहिर किया था। ओ, उन्होंने आपको बंबई में देखा? लड़के के भेष में मैं उनसे मिल चुकी हूँ, मगर वो मुझे औरत की भेष में भी नहीं पहचानेंगे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने आज तक मुझे नहीं देखा। आज तक नहीं देखा, गुड। और अपने आप को राजकुमार जाहिर किया है, सूझ गई? क्या? आपकी दोबारा शादी होगी। जी दोबारा शादी? जी हाँ, उन्हीं के साथ। पहले वो राजकुमार बना था, अब आप राजकुमारी बनेगी, 10 लाख दहेज देने वाली राजकुमारी। मगर मैं राजकुमारी कैसे बनूंगी? जैसे वो राजकुमार बना था। जो कहता हूँ करती जाइए, आपको आपका पति मिल जाएगा। मैं अपने एक रईस दोस्त से राजकुमारी की रिहाइश के लिए आलीशान बंगला हासिल कर लूंगा, बाकी सब इंतजाम भी हो जाएगा, और कुछ मदद तो ईश्वर भी कर ही देगा। मगर आपके ख्याल में ये ठीक रहेगा? मेरा मतलब है उन्हें इस तरह धोखे से हासिल करना। उन्होंने भी तो आपको धोखे से हासिल किया था। हाँ मगर मैं उन्हें धोखा नहीं देना चाहती। Thank you.
श्रीमती तुम्हारा ये हिसाब किताब मुझे तो समझ नहीं आता। तुम्हें खर्च करना तो आता है ना? हाँ वो तो आता है। भाई साहब, नमस्ते भाई साहब। लड़की है वही? ये आजकल लड़की लड़के में पता ही नहीं चलता। सुनिए भाई साहब, मुझे आपकी बात मंजूर है, मैं राजकुमारी बनूंगी। वो 10 लाख दहेज वाली? हाँ, जैसे को तैसा नहले पे डेला। वाह वाह। Secretary? Yes, Your Highness. Nice, very nice. Thank you, Your Highness. और अब? अब ये कि जैसे मैं आपको राजकुमारी बनाकर यहाँ लाया हूँ, वैसे ही आप यानी कि रामू अनिल बाबू को राजकुमार बनाकर यहाँ भेजेगा। समझ गई? Your Highness. Thank you. क्यों मिया, आज फिर सुबह भले लोगों के दर्शन को आए हो? इसके दर्शनों से तो खुदा ही बचाए। तुम्हें ये अखबार पढ़ने का शौक कब से हुआ? ओ साहब, मेरा शादी बनाने को मांगता है ना साहब। हाँ। ये छापा में बहुत अच्छा अच्छा छोकरी के लिए लिखेला है। तो क्या अखबारी इश्तेहार में शादी करोगे? काहे को नहीं साहब, छापा का शादी बरोबर नहीं होता है क्या? हाँ हाँ, अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, करो जरूर करो। मगर हाँ, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि शादी की रात दुल्हन ना गायब हो जाए। ऐसा भी होता है ये दुनिया में? होता है, अरे और होता ही क्या है। कोई इश्तेहार मिला? खबर तो बहुत छपेली है साहब, पर सब पैसे वाली छोकरी के लिए है। एक राजकुमारी साड़ी बनाने मांगती है, माल पानी बहुत देंगे। हाँ सुनो, लिखेला है। बाप रे, 10 लाख? 10 लाख? देखो तो, जरूरत है एक निहायत खूबसूरत राजकुमारी के लिए एक वर की। दहेज 10 लाख दिया जाएगा, खत्तों किताबत बजरिया अखबार की जाए। 10 लाख? मुझे क्या देख रहे हो? मैं नहीं, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, एक शादी काफी है बस। सवा 3-3 लाख हिस्से में आएगा राजकुमार साहब। नहीं नहीं, मैं एक बार पाप कर चुका हूँ, अब नहीं करूंगा। वाह, तुमने तो बोला था एक बखत पाप किया तो बस खलास, फिर कितना टाइम भी पाप करेगा चलेगा। ओहो रामू, तुम नहीं समझते, ये लोग मुझे शादी करने को कह रहे हैं इस राजकुमार से, और मैं पहले भी एक बार शादी कर चुका हूँ। फिर काय को खिचकिच करता है भाई? तुम एक बखत पहला शादी किया ना, फिर तेरे को मालूम है शादी करने को क्या होता है। मगर पर काय को मगज फड़ी करता है खाली पीली। वाह वाह, वंडरफुल, क्या बात की है रामू ने, छोकरा सचमुच होशियार है और अपना राजकुमार भी तैयार है, जो इच्छा संतन की। रामू तैयार हो जा, तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। हम तेरे साथ जाके क्या करेगा साथ? ओ, ओ, राजकुमार के साथ चौकदार होना जरूरी है। राजकुमारी? नहीं ऐसा बोलता है साहब, देखो मैं, मेरे को देखो, मैं क्या राजकुमार का चौकदार दिखता है? नहीं दिखता। अरे यार, मैं भी कौन सा राजकुमार दिखता हूँ? नहीं दिखता। हो जाते यार। बाकी गाड़ियाँ किसकी हैं? आपसे पहले कई और राजकुमार आए हैं। कई और राजकुमार भी आए? हाँ। तो क्या हो गया, महाराज कुमार तो नहीं आया? हाँ महाराज कुमार तो एक ही है। ये आप भी शादी के उम्मीदवार हैं क्या? सेक्रेटरी, ये हमारे राज अधिराज श्री महाराज। यहाँ जा बस, यहाँ पहले कहीं राज अधिराज श्री महाराज तशरीफ फरमा रहे हैं। आप भी अपने नंबर पर इस आखिरी कुर्सी पे बैठ जाइए।
आपकी बारी आने पे आपको बुला लिया जाएगा। और जरा आहिस्ता बोलिए, राजकुमारी साहिबा आराम फरमा रही। और बात जरा आहिस्ता कीजिए, राजकुमारी शोर बिल्कुल पसंद नहीं करती। ये तो बड़ी जबरदस्त राजकुमारी मालूम है। अपन को भी ऐसा ही लगता है। गेट आउट। योर हाइनेस। राम, ये मामला तो खतरनाक मालूम होता है। अपन को भी ऐसा ही दिखता है उसका। अगला नंबर। राम, मेरे ख्याल में यहाँ से भागना ही अच्छा है। काय को घबराता है मास्टर, अपन का क्या जाएंगे? अरे यार, हमारी बारी भी तो देर से आएगी। तुम उसका फिक्र नहीं करो, अपन तेरा बारी जल्दी लाएगा। कैसे? 500 रुपया निकालो। क्यों? उसका सेक्रेटरी को देगा। तू तो मुझे कंगाल बना के छोड़ेगा। 10-10 रुपए के नोट नीचे चपरासी को दिलवा। और अब काय को काली किटपिट करता है। शादी बनाने को आया है राजकुमारी के साथ और दिल रखता है चौकदार का। लाओ पैसा, तुम इधर बैठो, हम अभी आता है। ये धक्के लगवा था। बनेला है ये हम कौन सी जबान सुन रहे हैं? हमारा चंपतपुर बहुत बड़ा स्टेट बन गया है, उसमें हर किस्म का लोग हर किस्म का जबान बोलता है। पर माँ कसम राजकुमारी, तेरे को देखकर तो अपना जबान एकदम खलास हो गया है। ऐसा क्यों? इसलिए कि तू बहुत खूबसूरत है। तेरा रंग, वो क्या नाम है वो पत्थर का, एकदम संगमरमर का माफिक है। हमारा रंग संगमरमर की तरह है। हाँ राजकुमारी, और तेरा आंखी माँ कसम एकदम नरगिस का फूल का माफिक है। ये राजकुमार का सेक्रेटरी तो बहुत स्मार्ट है, हम इसकी बातों से बहुत खुश हुए। हम तो कुछ भी बात नहीं करता है राजकुमारी। और हाइनेस, तुम हमारा राजकुमार को मिलेगा तो एकदम लट्ठो हो जाएगा। अच्छा, तो क्या तुम्हारे राजकुमार इतने खूबसूरत हैं? माँ कसम, उसका रंग, उसका रूप एकदम बर्फी का टुकड़ा का माफिक है। तेरा उसका जोड़ी ऐसा बनेगा कि जैसा चांद और चकोरी का जोड़ी। अच्छा, तो हम तुम्हारे ही राजकुमार से पहले मिलेंगे। सेक्रेटरी नंबर टू, योर हाइनेस, इस लड़के को ले जाओ और इसकी दावत का इंतजाम करो और इसके राजकुमार को बाइज्जत यहाँ ले आओ। हिज हाइनेस राजकुमार चंपतपुर। योर हाइनेस। योर हाइनेस। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आपका सेक्रेटरी बहुत काबिल मालूम होता है राजकुमार। मेरा हमेशा से यही उसूल रहा है योर हाइनेस, कि मेरी जो भी चीज हो एकदम फर्स्ट क्लास हो। खूब। आपके मैयार तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल है। आज तक मैं भी यही सोचता था, मगर आपको देखकर मेरी आंखें भी चकाचौंध हो गई। राजकुमार साहब। योर हाइनेस। हम आपकी बातों से बहुत मुतासिर हुए। शुक्रिया। इसलिए जिंदगी और उसके मसले पर आपके ख्याल जानना पसंद करेंगे। बेशक बेशक योर हाइनेस। मसलन ये कि शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? आया कि शादी वक्ती तौर पर दिल बहलाने का एक चोंचला है, या कि दो इंसानों का एक ऐसा बंधन जो कि उम्र भर न तोड़ा जा सके? योर हाइनेस, मैं इस बात में जरा पुराना ही ख्याल का आदमी हूं। मेरे लिए शादी कोई खेल नहीं, दो दिलों का जीवन भर का साथ है। आप खामोश क्यों हो गई? क्योंकि हमारे ख्यालात जरा अलग हैं। मैं शादी को ऐसा अनतोड़ बंधन नहीं समझती। शादी का मतलब है खुशी, ना कि जंजाल।
और खुशी तभी हो सकती है जबकि कोई बंधन ना हो। क्या ख्याल है आपका? हाँ हाँ, आप ठीक फरमाती हैं। बात यह है कि मैंने इस पहलू से इस बात पर गौर नहीं किया, लेकिन बात समझ के मालूम पड़ती है। राजकुमार जी, आप बात बहुत जल्दी समझते हैं। आपसे फिर मिलने का मौका होना चाहिए। जरूर जरूर, मगर कब? इसके बारे में आप मेरे सेक्रेटरी से मिल लीजिए। योर हाइनेस। मगर राजकुमारी ने तो खुद मुझसे दोबारा मिलने को कहा। अजी, राजकुमारी तो हर एक से दोबारा मिलने के लिए कहती रहती है, मगर मुझे और लोगों को भी टाइम देना है। अभी दो एक राजकुमार ने मुझे 5-5 रुपए इनाम दिया है। ओहो, पहले उनको टाइम दूं या आपको? आई एम वेरी सॉरी, आपको तो इनाम देना भूल ही गया। ये लीजिए 1000। इसकी जरूरत तो कोई नहीं थी। कोई बात नहीं, राज अधिराज महाराज चंपत, महाराज चंपत। देखिए फरमाइए, राजकुमारी को हासिल करना हो तो एक काम कीजिएगा। उन्हें देवराज का बड़ा शौक है। दो एक राजकुमारों ने 25-25 हजार के पेश किए हैं। आप जरा कुछ बढ़ के कीजिए, बाकी आपके हाथ है। श्योर, डन। बाय बाय योर हाइनेस। अरे आप अभी गई नहीं, वो नीचे पहुंचने वाला। बस मैं भी चली पीछे की राह। कहिए राजकुमार से कुछ मिला? अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ 1.5 हजार। हाँ, अगली बार वो 30-40 हजार के देवर लेके आए। 30-40 हजार? एक्सलेंट सेक्रेटरी। थैंक यू योर हाइनेस, प्लीज गेट आउट। माल कहाँ है प्यारे? माल जल्दी जल्दी। रामू तू आ गया? हाँ, बोल। जब क्या मामला? ऐसा यार कमाल के खूबसूरत है, उसने तो मेरा दिल उड़ा लिया। ऐसा? जानते हो क्या बोली? क्या पूछने लगी शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो तू क्या बोला? अरे यार, मैंने गलती से कह दिया, शादी एक अनतोड़ बंधन है। ये तो ठीक बोला तू। हाँ ठीक बोला, वो ऐसा नहीं मानती ना। तो ऐसा छोकरी से काहे को शादी करता है? अरे यार तू नहीं समझता, जो लड़की काबू ना है उसे ही काबू करने में मजा आता है। ऐसा? हाँ प्यारे ऐसा। आज तो बस कमाल। अरे टिक-टिक छोड़ो, बोलो हुआ क्या? जी होना क्या था, एक नजर में घायल हो गए। अभी काय गुरु बाप करता है खाली पीली, तेरा रंग अपुन ने नहीं जमाया। हाँ हाँ रंग तूने जमाया, मगर प्लास्टर तो मैंने लगाया ना। हाँ वो बराबर। तो फिर बस राजकुमारी अब काबू में? काबू भी है। अच्छा ये तो बताए, राजकुमारी असली है ना, कहीं तुम्हारी तरह नकली तो नहीं? अभी जान दो मेम साहब, वो राजकुमारी की एकदम बर्फ का टुकड़ा है। माँ का तुम देख के दिल में ठंडक पहुँचती है। बिल्कुल, और 10 लाख रुपए उसके लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, मगर हाँ हमें 20-25 हजार रुपए के तोहफे ले जाने होंगे। ए भाई इधर असली माल देना, कोटे माल से बात नहीं बनेगी। 20-25 हजार के तोहफे, मगर हम क्या लेके चले? वो आप उनको नहीं मालूम, वो किट तुम्हारी। आप उनने तो तुम लोग को एड्रेस दिया, अपनी 5% कमीशन बरोबर है। मैं बताऊं? वही जेवर जो अनिल दिल्ली से लाया था, गिरवी पड़े हैं छुड़ा लाएंगे। ऐसे शिकार के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर देना चाहिए। माँ कसम ये सेठ का भेजा एकदम फर्स्ट क्लास है, वो जेवर देना चाहिए। छोकरा होशियार है। ए मेम साहब तुम भी तुम्हारा अक्का पूंजी लगा देना इसके ऊपर। हाँ हाँ हाँ, मैं अपना सब कुछ लगा दूँ। ठीक है। Your Highness, good morning. Madam, I mean Mr. Ramchandra, my secretary. How are you? Safe alive. 50 हजार के? 50 हजार के? Wonderful. तो इसे अपने सेक्रेटरी के हाथ अंदर भिजवा दीजिए, ताकि आपको मिलने से पहले जरा राजकुमारी निराश हो जाए। Right. Secretary. Sir. Please. आपकी तबीयत कैसी राजकुमार साहब? ठीक है। अच्छी है। आपके लिए मिला। थैंक यू सर। कोई जरूरत तो नहीं थी, खैर फिर भी आपको क्या फर्क पड़ता है। हम आपके तोहफों से बहुत खुश हुए राजकुमार। शुक्रिया। आपको हर किस्म की खूबसूरती की परख मालूम है। मैंने कहा था ना, मेरी जो भी चीज होगी एकदम फर्स्ट क्लास होगी। वाकई आपने जो कुछ कहा कर दिखाया। हमारे सेक्रेटरी साहब आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। अच्छा। और उन्होंने शादी के लिए आप ही की सिफारिश की। ये मेरी खुशकिस्मती है। मगर हम सोचते हैं कि शादी की तारीख मुकर्रर करने से पहले आपसे और जान पहचान। बेशक बेशक,
इसलिए हमने एक पिकनिक का ऑर्डर दिया है। अच्छा? जरा चहल पहल, हाँ? गाना बजाना रहेगा, हाँ? क्या ख्याल है आपका? खूब रहेगी। राजकुमारी, योर हाइनेस, लाइफ कैन बी वंडरफुल। यस, विद यू। मगर राजकुमार, अगर हम गरीब हो गए तो? गरीब हो गए? हम कैसे गरीब हो सकते हैं? आजकल की रियासतों का क्या ठिकाना, और फिर आपकी मेरी रियासत कभी भी छिन सकती है। हाँ, ये तो ठीक बात है। देखा जाएगा। फिर भी हमें कुछ तो सोचना चाहिए, अगर जरूरत पड़ी तो क्या करेंगे? जो तुम करोगी वही मैं भी कर लूंगा। हमने तो सोचा है हम लीडर बनेंगे। लीडर बनेंगे? हाँ, शौकिया वकालत तो बात कर ही रखी है, बस मजदूरों की लीडरी करेंगे। ग्रेट आइडिया, हम भी लीडर बनेंगे। आखिर लीडरशिप भी तो रियासत ही है। क्या ख्याल है? लीडर बनेंगे। मगर एक बात है, मजदूरों की लीडरी के लिए उनकी जिंदगी के बारे में जानना जरूरी है। हाँ, ये तो जरूरी है। एक आइडिया आया। क्या क्या? थोड़े दिनों के लिए हम मजदूरी करेंगे। क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, टोकरी उठाएंगे। टोकरी उठाएंगे? हाँ, बड़ा मजा रहेगा। मजा रहेगा? अभी टोकरी उठाने में खास मजा रहेगा? मजा रहेगा। देखो देखो, तुमने अभी कहा था जो तुम करोगी वही मैं भी करूंगा। मगर अब तुम्हें तो करना ही पड़ेगा। सुबह उठते ही मैं मजदूरों की धोती पहन लूंगी, और तुम हो, मेरे पास तो मजदूरों के कपड़े भी नहीं है। तुम्हारी कमीज और पतलून चलेगी ना, तुम मिल वर्कर हो, क्या समझे? मिल वर्कर? हाँ, मिल वर्कर, सुबह मिलेंगे। ओहो, मगर सुनो तो। देखो, मालिक ने हाथ काहे दो दो दिए, तू काम करे पेट भरे जब तक जिए। बाय बाय। मालिक ने हाथ कहे दो दो दिए, तू काम करे पेट भरे। छोकरी ये जिंदगी की टोकरी, आए जाओ छोकरी ये जिंदगी की टोकरी, रोजी हलाल की मेहनत की नौकरी, रोजी हलाल की मेहनत की नौकरी, खाना हराम है जो मिले बिना काम किए, मालिक ने हाथ कहे दो दो दिए, तू काम करे पेट भरे जब तक जिए। खाएंगे पसीना बहाएंगे, दुखी सुखी खाएंगे पसीना बहाएंगे, काहे किसी की गुलामी उठाएंगे, काहे किसी की गुलामी
पिए मालिक ने हाथ काहे दो तो पिए तू काम करे पेट भरे जब तक जिए मालिक ने हाथ काहे दो तो पिए तू काम करे पेट भरे जब तक जिए पहले भूख पेट की दूजी है प्यार की पहले भूख पेट की दूजी है प्यार की मेहनत के बाद चले हाथों में हाथ लिए हाथों में हाथ लिए मालिक ने हाथ करे दो दो दिए तू काम करे पेट भरे जब तक जिए मालिक ने हाथ करे दो दो दिए तू काम करे पेट भरे जब तक जिए मर गया मालिक ने हाथ काहे दो दो दिए तू काम करे पेट भरे मैं भी गधा हूँ टोकरी उठाने चला गया कौन राजकुमारी जी आइए 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 कहिए तसी रखिए ज्यादा थकावट तो नहीं हुई थकावट थकावट किस बात की है बल्कि मजा आया असल जिंदगी तो इसी में है आपने ठीक कहा था मालिक ने हाथ कहे दो दो दिए तो काम करे पेट भरे जब तक जिए शाबाश आप आज हर इम्तिहान में पूरे उतरे शुक्रिया आपने शादी के बारे में क्या सोचा आप बारात ले आइएगा हमने आप ही से शादी करने का फैसला किया थैंक यू माय डार्लिंग थैंक यू आया मिजाज शरीफ में वल्ला एक दूल्हा और तशरीफ ले आए आइए हजूर आइए बादब बा मुलादा तशरीफ लाइए रामू ये क्या मामला है कुछ गड़बड़ मामला दिखता है उस्ताद इधर तो पहले से ही दो बारात खड़ेला है दो बारात खड़ा है आइए ना हजूर तशरीफ लाइए ना हजूर आपकी जाय खास वहाँ दरबारे खास में है यहाँ दरबारे आम में नहीं है आया मिजाज शरीफ में आप कौन है हजूर इस नाचीज को नवाब अगड़ खान वल्द नवाब पकड़ खान वल्द नवाब जकड़ खान के नाम से पुकारते हैं और कमतरीन इस गरीब खाने का मालिक है इस मकान के मालिक आया मिजाज शरीफ में आप चाहते क्या है हजूर मेरा किराया किराया जी हाँ और मेरा फर्नीचर जो कि हर दो चीजें आपकी वो मंगेतर राजकुमारी लेकर फरार हो गई फरार हो गई मगर उसने तो मुझसे शादी करने का वादा किया था अजी उनकी शादी का वादा लिए तो आपसे पहले ये दो राजकुमार और खड़े हैं और सुनने में आया है कि दो चार आज शाम को तशरीफ ला रहे हैं और दो चार ही रात को भी आ रहे हैं आया मिजाज शरीफ है जी साहब मैंने उस राजकुमारी को 30-40 हजार रुपए के तोहफे दिए थे उसका क्या होगा हाँ अजीब बात है यही शिकायत इन राजकुमार साहबान को भी है पर बहरहाल साहब आप ठहरे राजकुमार किसी शादी में 30-40 हजार लिए और किसी शादी में 30-40 हजार दिए आया मिजाज शरीफ में बहरहाल मैं तो ये बिजनेस करता नहीं हूँ मैं तो थाने में रिपोर्ट लिखाने वाला हूँ और आपको घोड़े और बारात समेत मेरे साथ चलना पड़ेगा लिहाजा आप भी तैयार हो जाइए साहब ऐसा ये राजकुमारी गई सो गई भाई ये तो आप उनको पुलिस में भी ले जाने वाला है आप क्या कर रहे रामू अब उनका तो ऐसा ख्याल है कि ये 10,000 रुपए का जेवर इसको दो अपन का जान बचाओ ये अच्छी रही उल्टे लेने के देने पड़ गए अभी ये हिसाब किताब तुम घर में करना भाई ये बुड्ढा आप उनको छोड़ने वाला नहीं है अच्छा तो ऐसे ही सही नवाब साहब ए नवाब साहब हमें किसने पुकारा जरा इधर तशरीफ लाइए फरमाइए जायज़ है कि हम इज्जतदार आदमी है ये नहीं चाहते कि मामला पुलिस तक पहुंचे इसमें हमारी बदनामी होगी अजी आप तो नहीं चाहते मामला पुलिस तक पहुंचे मगर हम तो चाहते हैं कि हमारा किराया मिले
आया मिजाज शरीफ में हो, इसका भी इंतजाम किए देता हूं। तो कीजिए ना सेक्रेटरी, जेवरात दे दो। अजय इसमें 10,000 रुपया के जेवरात है, राजकुमारी के लिए लाए थे जनाब, इसे स्वीकार कीजिए और मामले को रफा दफा कीजिए। अब आया मिजाज शरीफ में हजूर, इजाजत हो तो आपको दरवाजे तक वापस पहुँचाया। अब बैंड वालो, जिस शान से महाराज कुमार को लाए थे उसी शान से जरा बजाते हुए वापस ले चलो। आया मिजाज शरीफ में छोड़ गए बालम, आए अकेला छोड़ गए। सवाल तो ये है कि अब क्या किया जाए। हाँ, माल तो मिल गया, अब पति भी तो मिलना चाहिए। मेरा ख्याल है अब वो मुझसे प्रेम करने लगे हैं। देखो बहन, जल्दबाजी में बाजी मत हार देना। जब तक उसे शराफत और मेहनत से प्रेम नहीं होता तब तक वो तुम्हारा नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, एक चमकीली भड़कीली राजकुमारी से मोहब्बत करना और बात है और एक पतिव्रता लड़की से मोहब्बत करना और बात है। हाँ, सवाल तो ये है। बाहर जाओ। सुनो नहीं, बाहर जाओ। कहाँ है राजकुमारी? मुझे क्या मालूम, हमें भी खूब बनाते हो तो आप क्यों नहीं कहते कि तुम्हें राजकुमारी से मोहब्बत हो गई है? मुझे उससे मोहब्बत हो गई है? नहीं तो फिर ठीक है मैडम, राजकुमारी जाएगी कहाँ, सब वसूल कर लेंगे। और अगर उसने अगर मगर की तो? अगर मगर की तो उसे खत्म कर देंगे। क्या मतलब? मतलब अब भी मतलब पूछते हो? तुम्हारे इस सवाल से साफ पता चलता है कि तुम राजकुमारी से मोहब्बत करने लगे। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं उसे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसे दिल से चाहता हूँ, और अगर तुमने उससे कोई ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम सबको पुलिस के हवाले कर दूंगा। हाँ भाई, एक दोस्त हमें बड़े घर का मेहमान नहीं बनाएगा तो और कौन बनाएगा। मैं ना जानता था कि तू हंसी हंसी में रोने लगेगा। खैर हटाओ सर, पर यहाँ बैठ के ये सोचो कि राजकुमारी को कैसे पकड़ना है और क्या कैसे वसूल करना है, समझे? आओ मैडम। बुद्धू हाँ हाँ यार, मैं समझ गया, ये काम अपने लिए कोई नया थोड़ी, तू पिस्तौल निकाल लो। ये ले, मगर ये चाल जरा नई है, एहतियात से। चाल का फिक्र तो मैं कर लूंगा लेकिन अपने माल का फिक्र तू कर लीजियो, काम जरा दिमागी है। बेशक, मगर ये कत्ल होगा कहाँ? कहीं गोदाम के करीब ना हो वरना हम सब फंस जाएंगे। नहीं जी, बाहर किसी गली में मुठभेड़ होगी, तुम गम मत करो। शाबाश, अब समझ लेंगे उस अनिल को, हमें पुलिस की धमकी देता था। अरे यार, तेरे को तो अक्खा रात नींद नहीं आता है वो राजकुमारी की फिक्र में। कभी तूने ऐसा सोचा है कि तेरे पहला औरत को भी नींद नहीं आती होगी तेरी फिक्र में? अरे गोली मार उस पहली बीबी को, मुझे ऐसी पतिव्रता स्त्री नहीं चाहिए, मुझे तो राजकुमारी जैसी। चुटकी नहीं मांगता क्यों भाई? ए राजकुमारी के बच्चे, किधर है वो तेरी राजकुमारी जिसको तूने हम शरीफों का माल खिलाया? मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ पता नहीं। मैं वो झूठ बोलता है, नहीं मालूम है। होश में आओ। होश की बात करता है, एक गोली में तुझे होश में लाऊंगा। खोरदार जो आगे बढ़ा वरना गोली मार दूंगा। महमूद गोली से डरने वाला नहीं, मैं इस छुरे से तेरी बोली डाल दूंगा। महमूद संभाल रहा हूं, महमूद संभाल। अरे ये क्या किया तूने, चाल से मार डाला? क्या करता, वो मुझे मारने आया था। अब क्या करें? पुलिस भागो। महमूद भाग क्यों? जो उस्ताद, हर चाल किस सफाई से चली, शराबी बना, धमकाया, खाली गोली वाला पिस्तौल उसके हाथ में पहुंचाया, अब वो तमाम उम्र पुलिस से सर छुपाता फिरेगा। और तुम्हारी छुट्टी, लाओ माल निकालो। शाबाश, हर चाल तो तुमने सफाई से चली लेकिन एक चाल भूल गए। कौन सी? पुलिस को जब तुम्हारी लाश नहीं मिलेगी
तो उस पर खून का इल्जाम कैसे लगाएंगे? ये तो मैं भूल ही गया। लेकिन मैं नहीं भूला, पुलिस को महमूद की लाश मिलेगी। कैसे? जी कहिए। मैं समुंदर के किनारे डॉक्स के इलाके में गश्त लगा रहा था तो एक गोली चलने की आवाज आई। मैं उधर भागा तो दो गोली चलने की आवाज और आई। सामने ये दोनों भागते हुए नजर आए। इस शख्स के हाथ में पिस्तौल था। इसने पुलिस को देखते ही पिस्तौल समुंदर में फेंक दिया और भागने की कोशिश की। हमने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। आई थी लाश कहाँ है? लाश हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दी थी। उसमें से दो गोलियां निकली। दो गोलियां? मगर मैंने तो... क्या बात है? कुछ नहीं। तुम्हारा क्या नाम है? रामू। अगर तुम सरकारी गवाह बन जाओ तो मैं छोड़ दिया जाएगा। सरकारी गवाह? हम कभी नहीं। ओके ले जाओ, इन्हें हवालात में बंद कर दो। चलो। क्या सोचते हैं? सोच रहा हूं, मैंने तो सिर्फ एक ही गोली चलाई थी, लाश में से दो गोलियां कैसे निकली? तूने पिस्तौल फेंककर बहुत गलती किया। उससे साबित हो सकता था कि तूने एक ही गोली चलाई। रामो। जी साहब। चलो तुमको कोई मिलने आया है। हमको? हाँ तुमको। चलो रामो, पुलिस तुझे सरकारी गवाह बनाने की कोशिश में है। बताओ। अपन तेरे वास्ते जान भी दे देगा दोस्त, तू काय को फिक्र करता है। शाबाश। बस बाकी तो आपने अखबार में पढ़ ही लिया होगा। कहिए। मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया। इतनी मुश्किल से इनको पाया था और अब ये कितनी बदकिस्मत हूं मैं। मेरी तरफ देखो, हिम्मत मत हारो। तुम्हें तो मुझे वो गाना बतलाया था, ठोकर नसीब की खाकर भी जो मुस्कराए, एक रोज बढ़ के मंजिल उसको गले लगाए। अच्छा चलता हूं, कल कचहरी में तुम लोगों के लिए वकील वगैरह का इंतजाम करूंगा। नमस्ते। रामू मैं यहां आओ। जब पिस्तौल महमूद के हाथ से निकलकर अनिल के हाथ में आई तो क्या हुआ जाकर बतलाना। बस महमूद ने छुरा निकाल लिया और बेखटके अनिल की तरफ बढ़ा। बेखटके अनिल की तरफ बढ़ा? ये कैसे हो सकता है? महमूद जैसा बदमाश मुजरिम मौत को देखते उसके सामने कभी नहीं बढ़ सकता। इसमें जरूर कोई राज है रामू। क्या मतलब? ठहरो, ये बताओ कि अनिल का कोई और भी दुश्मन है जो कि अनिल को मुसीबत में डालना चाहता हो? जी हाँ, वो है ना जगदीश, वो इनका जानी दुश्मन हो चुका है। और ये महमूद और जगदीश साथी हैं? हाँ बड़े दोस्त थे। और लाश में से एक गोली के बजाय दो गोलियां निकली? जी हाँ। समझ गया, मैंने बिल्कुल ऐसी एक कहानी एक जासूसी नावल में पढ़ी थी। अब फर्ज करो कि महमूद की पिस्तौल में खाली कारतूस थे। खाली कारतूस? हाँ, और वो पिस्तौल उसने अनिल के हाथों जानबूझ कर दी ताकि उस पर फायर करे और महमूद मरने का बहाना करते हुए अनिल पर कत्ल का इल्जाम लगाए। मगर भाई साहब, लाश के बगैर अनिल पर कत्ल का इल्जाम लगाया ही कैसे जा सकता था? यही तो सवाल था जो कि जगदीश के दिमाग में भी पैदा हुआ, और इसीलिए उसने अपनी दो गोली से महमूद को खत्म कर डाला। हो सकता है भाई साहब। हो सकता है ना। हाँ। मगर सवाल तो ये है कि अब इस चीज को साबित कैसे किया जाए। ये तो जगदीश को ही काबू में लाने से पता चल सकता है। ठीक है, मगर तुम्हारे बगैर उसको काबू में कैसे लाया जाए? मेरे बगैर? हाँ। मगर मैं तो यहाँ फंसी हुई हूँ। यही तो सवाल है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम सरकारी गवाह बन जाओ। सरकारी गवाह? हाँ, क्योंकि एक इसी तरह तुम जमानत पर रिहा सकती हो और फिर हम मिलकर जगदीश का पता लगा सकते हैं। मगर ये बात अनिल तक ना पहुंचने पाए क्योंकि वो घबराहट में हमारी बात का भांडा ना फोड़ दे। अगर मैं सरकारी गवाह बनी तो वो क्या सोचेंगे भाई साहब? अरे तुम्हें उनकी सोच की फिक्र है या उनकी जान की फिक्र है? सवाल तो ये। मुल्जम अनिल कुमार, सरकारी वकील ने तुम पर महमूद के कत्ल का इल्जाम लगाया है, तुम्हें अपनी हिफाजत में क्या कहना है? योर ऑनर, महमूद से मेरा झगड़ा जरूर हुआ था, उसने मुझे मारना चाहा,
मैंने उसका रिवॉल्वर छीनकर अपनी हिफाजत में एक गोली जरूर चलाई, मगर सरकारी वकील का बयान है कि लाश में से दो गोलियां निकली। मैंने दो गोलियां नहीं चलाई योर ऑनर, लाश में से ये दो गोलियां निकली हैं जो कि रिवॉल्वर नंबर 113 में से फायर की गई हैं। अगर मुल्जिम का ये मतलब है कि ये दो गोलियां उसके रिवॉल्वर में से नहीं फायर की गई हैं, तो वो अपना रिवॉल्वर अदालत के सामने पेश करके अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकता है। मुल्जिम का क्या जवाब है? मैंने वो रिवॉल्वर समुंदर में फेंक दिया था। क्यों? इसका जवाब मुल्जिम के पास नहीं है योर ऑनर। मुल्जिम कोई मासूम इंसान नहीं जो किसी गलती का शिकार हो गया हो। ये गुंडों के गिरोह से ताल्लुक रखता है और पहले भी कई बार जेल में जा चुका है। योर ऑनर, मुझे इन इल्जामात से कोई इनकार नहीं, मगर मैं भगवान की कसम लेकर कहता हूं कि ये दो गोलियां मेरे रिवॉल्वर में से नहीं निकली। आप चश्मदीद गवाह रामू से पूछ सकते हैं कि मैंने एक गोली चलाई थी या कि दो। मुझे ये चैलेंज मंजूर है मिलॉर्ड। मैं रामू को बतौर सरकारी गवाह की अदालत में पेश करता हूं। रामू को लाया जाए। रामू सरकारी गवाह? ये कैसे हो सकता है? योर हाइनेस। ऑर्डर ऑर्डर। रामू, तू मेरे खिलाफ सरकारी गवाह बन गया। जलील कमीने अपनी जान बचाने के लिए मेरे खिलाफ गवाही देगा। योर ऑनर, मुल्जिम गवाह को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। हाँ साहब, इसको रोको। आप उन डरपोक आदमी आप है, ये धमकाएगा तो आप धमक भी जाएगा। मुल्जिम को तंबीह की जाती है कि वो गवाह पर किसी किस्म का असर डालने की कोशिश न करे। लेकिन योर ऑनर। साइलेंट। यस, प्लीज प्रोसीड। गीता की सौगंध खाकर बोलो, जो भी बोलोगे सच बोलोगे। जज साहब, इधर जो कोई भी गीता का कसम खाता है वो सच बोलता है क्या? काली पूछा भाई। गवाह से जो कहा गया है उसकी तामील हो। आप उन बोलेगा भाई। हाँ तो मिस्टर रामू, बयान करो कि तुमने क्या क्या देखा। मिस्टर रामू, ये तो अच्छा लगता है भाई, एक बकत फिर बोलो। साइलेंस। यस साहब, कतल कर आपको अपुन और ये मुलजिम, अपुन दोनों खूब दारू पिए ना था। झूठ है ये ऑर्डर। ए रामू, क्यों झूठ बकता है? हमने कब दारू पिया था? देखो साहब, इसको पकड़ के रखो। साइलेंस। तुम घबराओ नहीं, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अपना बयान जारी रखो। तो सरकार, सामने से मामूद आता था, वो आके मुलजिम से दारू मांगा। दारू मांगा? हाँ, ये बोला अपुन नहीं देगा। फिर दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। इसने पिस्तौल निकाला और एक गोली मारा, वो खाली गया। खाली गया? हाँ, पर इसने दो और मारा, मामूद खलास। अपनी आजादी के लिए मुझे बताओ। अगर मुलजिम ने दोबारा गवाह को धमकाने की कोशिश की तो अदालत मुलजिम की इस हरकत को उसके जुर्म का एक सबूत ठहराने पर मजबूर हो जाएगी। थैंक यू माय लॉर्ड। योर ऑनर, मुलजिम न सिर्फ चश्मदीद गवाह के बयान से बल्कि खुद अपने बयान से भी कातिल साबित हो चुका है। सरकार का मुकदमा खत्म हुआ। मैं सरकारी गवाह को जमानत पर रिहा करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? हम मुलजम को सफाई का एक मौका देते हुए मुकदमा कुछ रोज के लिए मुलतवी करते हैं। ये होटल तो बहुत बड़ा है साहब, इधर हर कमरे में टेलीफोन है, मगर अपने बहरे लोगों का पगार एकदम कमती है। आप लोग कुछ बख्शीश दे देता है तो अपना काम चलता है, जरा काम में खोटी हुआ कि एकदम डिसमिस कर देता है साहब। चाय पीजिए साहब, कुछ और चाहिए साहब? जा जाओ, बातें बात करते हो। अच्छा साहब, जाता है, बर्तन फिर आके ले जाएगा। वो देखो, वो सामने वाले कमरे में जगदीश साहब रहते हैं। और पुतली? पुतली भी इसी होटल में है, और किसी और कमरे में। अब ये कैसे मालूम हो कि 113 नंबर वाला पिस्तौल जगदीश के ही पास है? जगदीश के कमरे की तलाशी लेने से। मगर ये कैसे हो सकता है, वो तो अपने कमरे में बैठा है। यही तो सवाल है। अगर किसी तरह से जगदीश को कमरे में से बाहर निकालने में कामयाब हो जाए तो तलाशी हो सकती है। और अगर वो बाहर जाते हुए पिस्तौल साथ ले गया तो? ये तो चांस लेना पड़ेगा। तो ठहरिए, मैं उसे बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ। कैसे? हेलो ऑपरेटर, गिव मी मिस्टर जगदीश'स रूम। जगदीश, मैं पुतली बोल रही हूँ, तुम फौरन मेरे कमरे में चले आओ।
नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती, वो फोन पे भी नहीं बोल सकती, बहुत जरूरी काम है, जल्दी आओ जल्दी। ओहो, वो तो कमरे को ताला लगा के चला गया, अब उसके कमरे में कैसे जाएंगे, सारी मेहनत अकारस गई। अब क्या करें, समझ नहीं आता। यहाँ मरम्मत वाली सीढ़ी लगी हुई, इनके जरिए से हम अंदर जा सकते हैं। अरे कैसे, मेरे तो पांव टूटा हुआ है। मगर मेरी टांग तो नहीं टूटी हुई। अरे क्या करती हो, बहुत खतरनाक बात है। मेरे पति के सामने फांसी का फंदा लटक रहा है भाई साहब, उसके सामने यह खतरा कुछ भी नहीं। टेलीफोन? मैंने तुम्हें कब टेलीफोन किया है, पागल होगी हो क्या जगदीश? नहीं साहब, हमको तो बर्तन ले जाना है, ये साहब हमारा नौकरी जाता रहेगा, दरवाजा खोलो साहब। ले जा। आपको बहुत तकलीफ दिया साहब, क्या करेगा, काम नहीं करेगा तो एकदम डिसमिस हो जाएगा साहब। क्या करेगा सर, छोटा छोटा बच्चा है सर, कमाएगा नहीं तो उनको खिलाएगा किधर से सर, इधर का रूल बहुत कड़क है सर, काम नहीं करेगा तो फौरन नौकरी से निकाल देगा सर। अच्छा जाता है सर। अच्छा सर जाता है, किसी चीज का जरूरत हो तो हमको बोलना और हमारी बख्शीश का ख्याल रखना। हाँ पिस्तौल है भाई साहब, वही 113 नंबर वाला। अरे पिस्तौल तो हुआ, तुम तो खुद खत्म होने वाली। अब छोड़िए ना, पुलिस को जल्दी फोन कीजिए। अरे ठहरो, वो तो होटल छोड़कर निकले जा रहा। सारी मेहनत अकारत गई। घबराओ मत, मैं फिर इसका पीछा करूंगा, अब मैं इसे नहीं छोड़ता, मगर इसके लिए वक्त चाहिए और कल मुकदमा अदालत में पेश होने वाला। आप फिक्र न कीजिए, मुकदमे की तारीख मैं बढ़वा दूंगी। तुम कैसे बढ़वा दोगे? कल अदालत में देखिएगा भाई साहब, आखिर मैंने भी वकालत पास कर रखी। मुल्जम अनिल कुमार की सफाई में कोई वकील है? योर ऑनर, मैं मुल्जम अनिल कुमार को डिफेंड करने की इजाजत चाहती हूँ। आप वकील हैं? जी हाँ, ये देखिए मेरी वकालत का सर्टिफिकेट। राजकुमारी तुम दोस्तों से धोखा लेकर चली गई थी। हाँ, मगर खुद अपने दिल से धोखा खा गई, तुम्हें मुसीबत में देखकर ना रहा गया। वकालत तो मैंने पास कर ही रखी थी, सोचा शायद तुम्हारे काम आओ। तुम्हें मेरी वकालत मंजूर है? मुझे जब तुम मंजूर हो तो तुम्हारी वकालत क्यों ना मंजूर होगी। अदालत को ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश की लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने लगी हैं। मुल्जम की सफाई में हम आपको सुनने के लिए तैयार हैं। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मुल्जम का बयान है कि उसने सिर्फ एक गोली चलाई, और सरकारी वकील का बयान है
कि लाश में से दो गोलियां निकली। माय लॉर्ड, इस नुक्ते का फैसला हो चुका है। जसदीद गवाह रामू का बयान बिल्कुल साफ है। अब इस पर दोबारा बहस करना अदालत का वक्त जाया। योर ऑनर, मुझे चश्मदीद गवाह का बिल्कुल यकीन नहीं और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि वह नहायत झूठा और मक्कार गवाह है। इसलिए योर ऑनर, मुझे उस रामू से कुछ सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। इजाजत है, सरकारी गवाह को पेश किया जाए। यस माय लॉर्ड, सरकारी गवाह को लाओ। माय लॉर्ड, चूंकि सरकारी गवाह की आज अदालत में जरूरत नहीं थी इसलिए उसे आज यहां नहीं बुलवाया। उसे बुलाने के लिए वक्त दिया जाए। वकील सफाई ये वक्त दिए जाने पर राजी हैं? यस योर ऑनर, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर सरकारी वकील साहब को अदालत का कीमती वक्त जाया करने का कोई हक नहीं, इसलिए इन्हें आइंदा तैयार रहने की हिदायत की जाए। दुरुस्त है, हम सरकारी वकील को इस बात की तंबी करते हुए मुकदमा मुलतवी करते हैं। थैंक यू। जगदीश गोदाम से भाग गया है, भाई साहब उसी की तलाश में गए। ऐसे काम तो प्यारे लाल को भगवान दे। अभी एक बच्चे को एक्सीडेंट से बचाते हुए उसकी टांग टूटी थी और अब तुम्हारे पति को बचाते हुए उसकी गर्दन टूटने वाली है। सवाल तो ये है। पीछा क्यों कर रहे थे? पीछा? नहीं नहीं, मैं तो जा रहा था। कौन हो तुम? मैं स्कूल मास्टर। जय हिंद स्कूल मास्टर। बस बस तुम जाओ, हमको सिर्फ वो टीचर चाहिए जो बच्चों को नए पाने का शौक पढ़ा सके। तुम भी टीचर की नौकरी के लिए आए हो? जी। तुम नए पैसे का सबक पढ़ा सकते हो? नया पैसा? बोलो। जी जी, जानता हूं। तो शुरू करो। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना, छे नए पैसों का पुराना एक आना। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना, छे नए पैसों का पुराना एक आना। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना। पहले 16 पैसों की तो होती थी चवन्नी, हो गई अब 12 पैसों की दवन्नी। पहले 16 पैसों की तो होती थी चवन्नी, हो गई अब 12 पैसों की दवन्नी। उठ गया आने पाई का अब दाना। बदला जमाना, वावा बदला जमाना, छे नए पैसों का पुराना एक आना। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना। छोटे छोटे नए पैसे, बड़े प्यारे प्यारे, छोटे छोटे नए पैसे, बड़े प्यारे प्यारे, गोल मोल नन्ने मुन्ने अखियों के तारे। छोटे छोटे नए पैसे, बड़े प्यारे प्यारे, गोल मोल नन्ने मुन्ने अखियों के तारे। रुपये के मिले 100 भर लो खजाना। बदला जमाना, वावा बदला जमाना, छे नए पैसों का पुराना एक आना। आहा बदला जमाना, वावा बदला जमाना। रहे खुश तेरे लाल, फकीर करे दो नए पैसों का सवाल। सुन माई बाप, सुन
माई बाप रहे खुश तेरे लाल, फकीर करे दो नए पैसों का सवाल, जो दो नहीं दे जा एक पैसा पुराना, बदला ज़माना वावा बदला ज़माना, छे नए पैसों का पुराना एक आना, आहा बदला ज़माना वावा बदला ज़माना, छे नए पैसों का पुराना एक आना, आहा बदला ज़माना वावा बदला ज़माना। सवाल तो ये है इंस्पेक्टर साहब कि वो 113 नंबर का पिस्तौल जगदीश के पास, और जगदीश इस वक्त बांद्रा की कोठी नंबर 5 में छुपा हुआ, आप वहाँ पहुँचकर उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। पिस्तौल का उसके पास निकलना उसके खूनी होने का पूरा सबूत नहीं, मजा तो जब है कि उसकी गिरफ्तारी के साथ उसके खूनी होने का पूरा सबूत मिल जाए। इसके लिए भी मेरे पास चाल तो है, अगर चल गई। वो क्या? कल के अखबार में एक ऐसी खबर निकले कि जिसे पढ़ते ही जगदीश अदालत में आने पर मजबूर हो जाए। अखबार में झूठी खबर कैसे छप सकती है? अखबार में झूठी खबर तो नहीं छप सकती इंस्पेक्टर साहब, मगर झूठा अखबार तो छप सकता है। कम से कम 10-12 पर्चे जो कि जगदीश के मकान के सामने ही बेचे जाएं। सवाल तो ये। समझा, मगर वह ऐसी खबर कौन सी होगी जो जगदीश को अदालत में आने के लिए मजबूर करेगी? ये आपको कल का अखबार पढ़ने से पता चलेगा। अच्छा, इजाजत दीजिए, इस सिलसिले में मुझे अपने एक अखबारी दोस्त से मदद लेनी पड़ेगी, फिर मिलूंगा। जगदीश, ये पढ़ा तुमने? क्या है? महमूद जिंदा है। महमूद जिंदा है? क्या कहती हो? हाँ हाँ, पढ़ो तो ये आज का अखबार पढ़ो। महमूद के कत्ल के मुकदमे में सनसनीखेज वाकयात, महमूद मरा नहीं बल्कि जिंदा है। कल महमूद के कत्ल के मुकदमे में जब उसकी लाश की तस्वीरें शिनाख्त के लिए पेश की गईं, तो पता चला कि वो महमूद की लाश ही नहीं। इस वाक्य से अदालत में सनसनी फैल गई। पुलिस दफ्तर से खबर आई है कि रात भर बदमाशों के अड्डों पर छापे मारने के बाद पुलिस महमूद को पकड़ने में कामयाब हो गई। महमूद आज अदालत में हाजिर होकर अपने कत्ल के बारे में बयान देगा। ये तो बहुत बुरी खबर है, अब क्या होगा? महमूद का ये बयान हरगिज नहीं होने देना चाहिए, वरना मैं खत्म हो जाऊंगा। मगर तुम उसे रोक कैसे सकते हो? वो तो अदालत में पुलिस की निगरानी में आएगा। मगर उसे पुलिस की निगरानी में से भी तो निकाला जा सकता है। वो कैसे? एक पुलिस ऑफिसर के जरिए। कौन पुलिस ऑफिसर? कौन पुलिस ऑफिसर? आपका क्या ख्याल, अनिल को फांसी लग जाएगी? जब महमूद मरा ही नहीं तो अनिल को फांसी कैसे होगी? महमूद मरा ही नहीं, क्या मतलब? अखबार तुम्हारे हाथ में और मतलब मुझसे पूछ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ो। मगर यहाँ तो लिखा है कि ज्यूरी ने अनिल को महमूद का खूनी करार दे दिया है। कब का अखबार है? आज ही का तो है। आज का? जी हाँ, देखिए। यस, वकील सफाई का क्या कहना है? योर ऑनर, मुल्जिम अनिल कुमार का बयान है कि उसने सिर्फ एक गोली चलाई और लाश में से दो गोलियां निकली। ये तो आप पहले भी कह चुकी हैं, मगर इस बात का क्या सबूत है कि मुल्जिम ने दो गोलियां नहीं चलाई? योर ऑनर, इसका सबूत है महमूद का असली कातिल, जिसके पास 113 नंबर का पिस्तौल है और जो कि अदालत में इस वक्त मौजूद है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि अदालत को घेरा डाल देने का हुक्म दिया जाए। पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि अदालत को घेरा डाल ले। यस माय लॉर्ड, मैं अभी बाहर से अदालत को घेरा डाल लेता हूँ। अदालत से बाहर कोई नहीं जा सकता। आप भी नहीं जा सकते मिस्टर जगदीश। खबरदार, किसी ने कदम नहीं उठाया तो गोली मार दूंगा। मिस्टर जगदीश, आपकी जुर्म की कहानी खत्म हो चुकी है, यह हलचल फजूल। जब तक मेरा लकी रिवॉल्वर मेरे पास, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इस रिवॉल्वर से मैंने सिर्फ महमूद ही को खत्म नहीं किया, बल्कि कई और भी इसका शिकार हो चुकी है। हट जाओ सामने से। पाप और जुर्म को खत्म कर देने के लिए प्यारेलाल अपनी जिंदगी भी खत्म करने को तैयार है। आगे बढ़ो।
इसमें खाली गोलियां हैं मिस्टर जगदीश। खाली गोलियां? जी हाँ, जो मैंने कल रात चोरी से तुम्हारे घर में पहुंच कर बदल दी थी। ये चाल हमने आप ही से सीखी है मिस्टर जगदीश। लाओ ये पिस्तौल। ये है मेरा सबूत मिलोर, 113 नंबर का पिस्तौल जिससे महमूद का खून हुआ। शाबाश, हम आपकी काबिलियत की दाद देते हैं। आपने एक मासूम इंसान को फांसी से बचाया। हम बखुशी मुल्जम की रिहाई का हुक्म देते हैं। माय लॉर्ड, अभी मुल्जम अनिल कुमार पर धोखाधड़ी के इल्जाम में दिल्ली में मुकदमा चलाया जाएगा। दिल्ली में? वो कौन सा मुकदमा है? उस धोखे का मुकदमा मिलोर्ड, जो कि एक पति ने अपनी पत्नी से किया था, इसलिए मुझे उस मुकदमे में कोई एतराज नहीं। हाँ, मैं इनके लिए जमानत की जरूर दरखास्त पेश करूंगी। पुलिस को ये जमानत दिए जाने पर कोई एतराज है? जी नहीं, कोई एतराज नहीं। तो हम मुल्जम अनिल कुमार को कत्ल के मुकदमे में बाइज्जत रिहा करते हैं और दिल्ली के मुकदमे में बजमानत रिहा करते हैं, मगर उस सरकारी गवाह रामू को झूठी गवाही देने के इल्जाम में सख्त सजा दी जाएगी। रामू को पेश किया जाए। रामू भी एक मासूम इंसान है योर ऑनर, और वो आपका खिदमत में हाजिर है। रामू वकील है क्या? रामू यानी कि राजकुमारी? हद हो गई, आप कौन है? ये सब आपने क्यों किया? अपने पति के लिए। पति की खातिर? क्या मतलब? मिलोर्ड, मुल्जिम अनिल कुमार मेरे पति हैं, जो कि मुझे ब्याह कर दिल्ली में ही छोड़ आए थे। रमा? हाँ, रमा आपकी पत्नी। मेरी पत्नी? क्या आप मुझे स्वीकार करेंगे? स्वीकार? हाँ, आपको तो पतिव्रता लड़कियां पसंद नहीं ना। मुझे शर्मिंदा ना करो रमा, तुमने मुझे जिंदगी का मतलब समझा दिया। मैं आज तक हैवान था, तुमने इंसान बना दिया। आप हिंदुस्तान की आदर्श लड़की हैं। हमारे अख्तियार में होता तो हम आपको मिस इंडिया का खिताब देते। थैंक यू।